हेलो, वॉइस क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। सभी आ चुके? क्लियर है, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रिवीजन। रिवीजन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वेस्ट वाटर हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा था क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर के अंदर एक साथ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कल नहीं किया था थोड़ा बहुत शायद। तो कहाँ से थे? सीओडी से, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिख रहे, रुको, ये किसी ने कर रहा था, ये लीजिए। अब ठीक है, चलिए। हाँ चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। अब सुनिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपका सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात की जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेड बोथ बायोडिग्रेडेबल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। इसको डिटरमाइन करते हैं किससे? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना कंज्यूम होगा वही आपकी क्या होगा? ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी। क्लियर। फिर अब आते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर कुछ लिखा था कि टेम्परेचर होता है सीवेज का वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनिशियल में जो सीवेज होती है वो आपका एल्कलाइन नेचर का होता है, पीएच इसका मोर देन 7 होता है। और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बाद में कितना हो जाता है सर? ये टाइम के साथ साथ एसिड बनता है, और एसिड से क्या होगा? पीएच इसका कम हो जाता है। एसिड क्यों बना? क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजन होता है सीवेज के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब एग्जैक्ट फॉर्मूला और कंसंट्रेशन पता होगा तब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, उसे कहेंगे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब होता है कि कैलकुलेट करना है आपको ऑक्सीजन, बट इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट कैलकुलेट करना है, इसको टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। फिर आते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी के ऊपर। क्या हो बेटा? बफरिंग हो रही गई थी, बफरिंग हो गई थी। चलिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले इट इज दी टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजन ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। और बीओडी की अगर सेकंड बात करें तो 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड बीओडी माना था, और इट इज इक्वल टू 68% ऑफ दी बीओडी अल्टीमेट। अल्टीमेट बीओडी का 68% होता है या 2/3 होता है। ठीक, बताएंगे बेटा अभी डीओआई फॉर डीएफ अभी आएगा नीचे ना, अभी पर बताते रुको। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी 5 डेज मतलब स्टैंडर्ड बीओडी अगर कैलकुलेट करना है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो बीओडी एट 5 डेज इक्वल टू डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन रेशियो। डीओ इनिशियल मतलब इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन कितना था और फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन कितना बच गया उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे डीओ इनिशियल और डीओ फाइनल। भाई जिस भी स्ट्रीम के अंदर उसको डाल रहे हो तो कितना डिजोल्व ऑक्सीजन था उस स्ट्रीम का पहला डंप करने से पहले, और फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन कितना मतलब कितना डिजोल्व ऑक्सीजन उसने यूज कर लिया, इसको बोलेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। क्लियर हुआ? और डाइल्यूशन फैक्टर पता ही है, फाइनल डाइल्यूटेड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आगे आएगा बेटा, सीवर जब डिजाइन करेंगे तब आएंगे सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के ऊपर, अभी चैप्टर बचा हुआ है वो। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ सर, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीजन को बताएगा, बताता है या नहीं? बताता है, बस इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट बताता है वो, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, हाँ डम का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। आपका क्या हो गया सर? मेरा सुदीप बता तो दिया बेटा, यही तो बताया, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीजन को बताता है कि नहीं? बिल्कुल बताता है, इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट होता है बस। अब आ जाइए, ये हो गया आपका बीओडी सीओडी। और बीओडी के अंदर आपका एक और चीज थी कि अगर आपको किसी भी टाइम टी पे अगर कैलकुलेट करना है बीओडी तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एल नॉट 1 - 10^-KD इनटू टी। केडी तो होता है डिऑक्सीजन कांस्टेंट, टी होता है टाइम इन डेज, और एल नॉट होता है अल्टीमेट बीओडी, तो ये कितना होता है? 68% होता है, या फिर उस तरह से भी निकाल सकते हैं जिस तरह से अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में पूछेगा तो एल नॉट 1 - e^-K इनटू टी, और यहाँ पे के होता है रेट कांस्टेंट, और केडी और के में क्या फॉर्म रिलेशन? 0.434 ऑफ के होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? टेम्परेचर बढ़ेगा तो केडी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी आपकी, ये बताया था। चलिए डन। तो अब आते हैं अपन, दो टॉपिक और थे आपके, रिलेटिव स्टेबिलिटी और एक, और दो तरह का होता है आपका जो बीओडी कंज्यूम होता है वो कैसे होता है? फर्स्ट द कार्बोनेशन डिमांड और दूसरा
आपकी नाइट्रोजिनस डिमांड का। कार्बनेशियस डिमांड के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और नाइट्रोजिनस के अंदर कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं? माइक्रोजम्स होंगे जो कि ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन को लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कार्बन को लेते हैं, मतलब वो किसी को ब्रेक नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो ऑटोट्रॉप्स हो गए। चलिए अब आते हैं अपन दो टॉपिक और थे, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट और रिलेटिव स्टेबिलिटी। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का मतलब क्या था? इट इज द इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल सीवर, कि इंडस्ट्रियल सीवेज डोमेस्टिक सीवेज कॉरस्पॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये बोलते हैं बीओडी ऑफ 5 डेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिवाइड ऑफ बीओडी 5 डेज ऑफ डोमेस्टिक का रेशियो होता है। ठीक है, और एवरेज बीओडी कितना होता है? मतलब 18 ग्राम पर कैपिटा पर डे होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, रिलेटिव स्टेबिलिटी। सर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में कौन फूड बनाते हैं और कौन डिपेंडेंट रहते हैं? बेटा फूड कोई नहीं बनाते, दोनों फूड लेते हैं, बनाते कोई नहीं है, फूड लेते हैं। एक तो लेता है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होता है, उस कार्बन का फूड है आप माइक्रोजम्स का, वो लेता है। और एक जो ऑक्सीजन गैस, जब गैस रिलीज होगी, गैस रिलीज कैसे होगी? जब एनारोबिक रिएक्शन होगी तो गैस रिलीज होगी, उस गैस के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी पे। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ तो हो गया आपका वो, रिलेटिव स्टेबिलिटी हम देखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल बीओडी अवेलेबल इन द एफ्लुएंट और अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एफ्लुएंट डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी। तो कितना ऑक्सीजन अवेलेबल था एफ्लुएंट के अंदर और कितना, हाँ एफ्लुएंट मतलब ट्रीटेड होने के बाद, बिल्कुल ट्रीटेड होने के बाद वो बोलते हैं एफ्लुएंट। और इन एक्चुअल में तो, और कई जगह इसको बोलते हैं जो एफ्लुएंट, जो आपका कचरा होता है उसी को एफ्लुएंट बोल देते हैं कई जगह। ठीक है, और कई जगह ट्रीटर होने के बाद उसको एफ्लुएंट बोलते हैं, जनरली उसको ट्रीटर होने के बाद ही एफ्लुएंट कहते हैं। तो एफ्लुएंट में कितना ऑक्सीजन था और डिवाइडेड बाय द फर्स्ट स्टेज में कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ये T20 और T37 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करते हैं। T का मतलब होता है टाइम इन डेज, 20 डिग्री सेल्सियस में कितना टाइम लगा उसको, और 37 डिग्री सेल्सियस में कितना उसको टाइम लगा, इससे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो? 101 माइनस 0.793 की पावर T 20, 101 माइनस 0.630 T37। क्लियर हुआ सभी को? चलिए तो यहाँ तक तो हो गया था अपना चैप्टर। फिर अपन आ गए थे नेक्स्ट अपना ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में हमने क्या देखा था, पूरा साइकिल देखिएगा कि सबसे पहले आपका सीवेज था या रॉ वेस्ट वाटर था, उस वेस्ट वाटर को अपन स्क्रीन से पास के, स्क्रीन से ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर से पीएसटी, पीएसटी और ग्रिड चैम्बर के बीच में दो टैंक थे, स्कीमिंग टैंक और दूसरा था आपका फ्लोकुलेशन चैम्बर। और उस पीएसटी से वो कहाँ गया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेकेंडरी सेडिमेंट टैंक में गया, एसएसटी में गया। अगर एसएसटी के बाद भी उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि उसको डंप किया जा सके किसी बॉडी के अंदर, तो हम क्या करेंगे वहां से फिर हम नीचे आ जाएंगे, मतलब थर्ड डिग्री केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे और फिर जो एफ्लुएंट होगा उसको डंप करेंगे रिवर के अंदर। एक प्रोसेस तो ये हुआ। ठीक है, हाँ क्या कहना चाह रहे हो सचिन? सर यहाँ से देख नहीं पाया तो इसका, सर यहाँ से देख नहीं पाए तो इसके बाद कितना छोड़ना होगा पेजेस? ये तो बेटा डिपेंड करेगा जब लिखेंगे तब, है ना, सभी की राइटिंग अलग अलग होती है, 10 पेज होते हैं, 8 पेज होते हैं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपका फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट हो चुका है। थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट के बाद अपन देखते हैं अगर सर वो सेकेंडरी सॉल्यूशन टैंक के बाद, सेकेंडरी सॉल्यूशन टैंक के बाद अगर आपका वो एफ्लुएंट सही है, वो आप डिस्पोज करने लायक है, तो उसको क्या करेंगे? वॉल्यूम को कम करेंगे, तो स्लज थिकनर, स्लज डाइजेस्टर, स्लज ऑन ड्राइंग बेड, और फिर लास्ट में एफ्लुएंट को डिस्पोज कर देंगे। तो स्लज थिकनर और स्लज डाइजेस्टर, डाइजेस्टर के अंदर क्या होती है? CH4 निकलती है, मीथेन, जो उस प्लांट को चलाने के लिए काम आती है, और वहां से सुपर नाइट्रेट लिक्विड निकलते हैं, ऑयल और ग्रीस वो स्किमिंग टैंक में जाते हैं। तो ये हो गया क्लियर सभी को? ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया था आपको, क्लियर हुआ? चलें स्टार्ट करें आज का सेशन। तो कुछ चीजें हम पढ़ भी चुके थे, जैसे स्क्रीन पढ़ चुके थे, बीटी के बाद रिपीट कौन सा, हाँ कंप्यूटर चार्ट में नहीं है वो, क्या स्क्रीमिंग टैंक, वही अपन ने स्टार्टिंग से करा था। स्क्रीन पढ़ी थी, स्क्रीन कोर्स मीडियम फाइन होती है और हैवी सस्पेंड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए काम आती है। फिर आते हैं ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए काम आते हैं और लेस देन 0.2 mm के पार्टिकल को रिमूव करता है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर का शेप पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर होता है, इसमें वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइस का इसका यूज लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल वेयर, और पार्शियल फ्लूम होता है, जनरली पार्शियल फ्लूम का यूज लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अपन आए थे किसके ऊपर, नेक्स्ट हमने बात करी थी डिटेंशन टाइम जो होता है 30 to 60 seconds होता है आपका ग्रिड चैम्बर का, और डिट्रेस टैंक का 3 to 4 minutes होता है। ठीक, पार्शियल फ्लूम या फिर हम पढ़ोगे बेटा वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेज होती हैं ये। ठीक है, वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ग्रिड चैम्बर और डिट्रेस टैंक अलग अलग होता है क्या बेटा? अलग नहीं होता, सेम होता है, बस इनका डिटेंशन टाइम अलग होता है। प्रोसेस दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है, किसको रिमूव करना, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स।
यहाँ से उसका आता था स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक का मतलब होता है इट इज यूज टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीसेस। ऑयल ग्रीस को रिमूव करने के लिए काम आता है, इट इज प्रोवाइडेड बिफोर दीपीएस, टीपीएस से पहले प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पर इंडिया के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो वैक्यूएटर्स का भी यूज लिया जाता है, जिससे वैक्यूम क्रिएट करके ऊपर टॉप सर्फेस पे क्या होता है, ऑयल एंड ग्रीस आ जाता है, वहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और एक आप बात करें सर कम्यूटर और मैरिनेटर्स करके तो डिवाइसेज होती हैं, ये क्या करती है, कट डाउन करती है लार्जर इंप्योरिटीज को स्मॉलर वन के अंदर। ठीक है, शॉक लोडिंग का मतलब होता है आपका कि जैसे ही आपका वाटर जब जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर पीएसटी के अंदर, पीएसटी में क्या चाहिए, सेडिमेंटेशन टैंक बेटा सर, उसके अंदर उसका रुका होना चाहिए, पानी का होना रुका होना चाहिए या फिर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जाना चाहिए। जैसे ही आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल सेटल हो रहे थे वो क्या होंगे, वो हट जाएंगे, जो पार्टिकल मैकेनिज्म उनको डिकम्पोज कर रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन है, इसको बोलते हैं शॉक लोडिंग। ठीक है, क्लियर हुआ, डन हुआ। 2 मिलीग्राम क्लोरीन का मतलब क्या था कि अगर आपका सोलिडिफिकेशन हो चुका है मतलब कोल्ड कंट्रीज के अंदर, तो उसमें क्लोरीन से उसको क्या करेंगे, अनसोलिडिफाई करेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे। सोलिडिफिकेशन का मतलब होता है जम जाना, ठीक है, ठोस हो जाना है। ग्रिट चैम्बर डिट्रेस टैंक अलग अलग होते हैं क्या सर? नहीं बेटा, प्रोसेस दोनों का एक ही होता है, बस डिटेंशन टाइम वेरी करता है, लेस देन 0.2 mm। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेशन, चलें चलें, आ जाओ फिर अपने पास। टाइप ऑफ सेटलिंग पे हो गए थे, टाइप ऑफ सेटलिंग में कितने सेटलिंग देख ली थी, फ्लॉकुलेट और डिस्क्रीट दो देख ली थी। अब आते हैं थर्ड सेटलिंग पे, दो देख ली थी ना, यस सर। हाँ, फ्लॉकुलेटेड हो गया था, हिंडर्ड करेंगे, चलिए तो हिंडर्ड पे आई जाएगी। थर्ड वन इज हिंडर्ड सेटलिंग। देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम सेटलिंग की तरफ जा रहे हैं, पहला आपने देखा था फर्स्ट सेटलिंग जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग, जिसमें हर एक पार्टी इंडिविजुअल सेटल होगा, इसका सेटल होना दूसरे पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब स्टॉक्स लोगे वैलिड करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? और जब अगर बात करें हम सेकंड सेटलिंग जिसको बोले फ्लॉकुलेंट सेटलिंग, उसमें क्या हो रहा था, शेप साइज और पार्टिकल का मास वेरी कर रहा था। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर की जो थी, सस्पेंड पार्टिकल्स की, वो ज्यादा थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। इसको बोलते थे अपन नेक्स्ट फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। अब आते हैं हिंडर्ड सेटलिंग। तो हिंडर्ड सेटलिंग में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हिंडर्ड सेटलिंग में वेलोसिटी फील्ड ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स आर ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर ड्यूरिंग द सेटलिंग। बताऊंगा इसका डायग्राम बना के, लिखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा बट पार्टिकल्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, बट द पार्टिकल्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। डन। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसी सेटलिंग कहाँ देखने में मिलेगी, एसएसटी आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एसएसटी आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अभी सब पढ़ेंगे आगे, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एसएसटी सब, बस ये एग्जाम्पल इसको लिख रहो, बाद में समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी सेडिशन टैंक का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे पहले अगर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कर रखा है तो सेकेंडरी सेडिशन टैंक के अंदर जो आपकी सेटलिंग होगी वो कैसी होगी सर, वो होगी आपकी हिंडर्ड सेटलिंग। अब हिंडर्ड सेटलिंग होती क्या है, ये दो पॉइंट लिख दिए, दो पॉइंट इसको जस्टिफाई करते हैं कि वेलोसिटी फील्ड जो होगी वो दोनों की ओवरलैप करेगी बट पार्टिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। पहले इसको लिख लीजिए, डायग्राम बनाता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा एक ही बार के अंदर, जल्दी से एक बार।
डन। चलिए तो अब देखना है कि कैसे होता क्या है कि सर ये एक टैंक है, इस टैंक के अंदर ये वाटर लेवल हुआ और ये पार्टिकल है सर, तो पार्टिकल है तो ये जब सेटल होता है, ये जब क्या करेगा सर, ये सेटल होगा तो इसकी वेलोसिटी फील्ड बनती है, जैसे अगर आप पत्थर डालते हो पानी के अंदर तो कैसे होती है वो करंट्स बनते हैं ना, वेलोसिटी फील्ड, तो वैसे वेलोसिटी फील्ड बनती है। जब ये नीचे सेटल होगा तो ये पानी को साइड में करेगा और नीचे की तरफ सेटल होने लगेगा, तो इसमें क्या होती है वेलोसिटी फील्ड बनती है, तो इसमें जो वेलोसिटी फील्ड बनती है वो क्या होती है सर, वो ओवरलैप होती है एक दूसरे से, इसमें जो वेलोसिटी फील्ड बनती है वो कैसी होती है, वो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड पे ओवरलैप होती है, मतलब सर इसमें स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल की सेटलिंग दूसरी पार्टिकल की सेटलिंग को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, आ रही बात समझ में, एक पार्टिकल की सेटलिंग दूसरी पार्टिकल की सेटलिंग को अफेक्ट कर रहा है, जैसा कि हिंडर्ड सेटलिंग में आपका आपकी डिस्क्रीट सेटलिंग में ऐसा नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप करेंगे, बट पार्टिकल है जो व्हाइट वाले हैं ये क्या है पार्टिकल, ये क्या है आपके, ये पार्टिकल से पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बस वेलोसिटी फील्ड क्या कर रही है इनके ओवरलैप कर रही है, इस तरह की जो सेटलिंग होगी वो किस में देखने को मिलेगी, SST विद एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस, उससे पहले क्या करेंगे एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस ले लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ, इसमें सी साफ सी बात है स्टॉक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये V1 वेलोसिटी से आ रहा है, अगर ये V1 वेलोसिटी आ रहा है तो ये क्या होगा, ये V2 वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों की ओवरलैप करके तो V1 V2 क्या हो गया, ये V2 चेंज हो गया, क्लियर हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप कर रहा है, डन, क्लियर सभी को, हाँ स्टॉक्स लॉ नो बट नॉट वैलिड, बिल्कुल, ये लीजिए बैक स्लाइड, तो समझ में क्या आ रहा है, एक बात समझिएगा कि जैसे जैसे सेटलिंग पे हम बढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट, फ्लॉकुलेंट, फिर हिंडर्ड और फिर कंप्रेस, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या हो रही है सर, बढ़ती चली जा रही है, क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, चलिए हो गया, बढ़ती चली जा रही है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ, फोर्थ इज द कंप्रेस्ड सेटलिंग, कंप्रेस सेटलिंग, कंप्रेस सेटलिंग में क्या होगा, इस सेटलिंग के अंदर वेलोसिटी फील्ड और पार्टिकल दोनों ही क्या करे होंगे, कांटेक्ट विद ईच अदर होंगे, इसे बोलेंगे आपकी कंप्रेस्ड सेटलिंग, तो लिखिएगा इसके अंदर वेलोसिटी फील्ड एंड द पार्टिकल्स आर ओवरलैप विद ईच अदर, वेलोसिटी फील्ड एंड पार्टिकल्स आर ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर, इसका लिख दीजिएगा एग्जाम्पल SST फॉलोड बाई ट्रिकलिंग फिल्टर, SST सेकेंडरी सल्यूशन टैंक फॉलोड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद जो SST होगा उसके अंदर सेटलिंग कैसे देखने को मिलेगी आपको, कंप्रेस सेटलिंग होगा क्या, ये टैंक है, ये टैंक है और इस टैंक में ये आपका वाटर लेवल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है उनकी कंसंट्रेशन क्या है सर, बहुत ज्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा सर, वेलोसिटी फील्ड के साथ साथ ये वेलोसिटी फील्ड तो ओवरलैप कर ही रही है, इसका पार्टिकल भी क्या करेंगे एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं हमारी कंप्रेस सेटलिंग, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्लियर हुआ, फास्ट बोल रहे हो बट अपन लिख तो रखे ना, यहाँ पे लिख तो रहे हैं वही चीज, ओके वही चीज लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या हो गया आपका कि वेलोसिटी फील्ड और पार्टिकल जो होंगे दोनों के दोनों क्या करेंगे सर, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, किसके अंदर, कंप्रेस सेटलिंग के अंदर, एग्जाम्पल SST फॉलोड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर, तो ये चारों एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछता है, ठीक है, और एक डिस्क्रीट सेटलिंग से पूछता है, नोट करिए,
ये सारे आप याद रखिए, जितने भी एग्जाम्पल इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, एक डिस्क्रीट सेटलिंग जिसमें इंडिविजुअल सेटल होंगे और ये स्टॉक्स लो पे बेच देते हैं, शेप साइज और मास पार्टिकल का चेंज नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ तो 1.5 से देखनी क्यों है, है? आ जाओ जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट पे। प्राइमरी हो गया सभी का कि नहीं हुआ? डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन पीएसटी पे। प्राइमरी अरे यहाँ को इनको सेटलिंग भी बोलते हैं, सेटलिंग टैंक, ठीक है, सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं। सेटलिंग टैंक क्यों बोलते हैं? सुनाई नहीं आ रहा? रुको एक वेट करो, सेल चेंज करते हैं, एक मिनट वेट करो। क्लियर है वॉइस? वॉइस चेक कर लो बेटा, क्लियर? अब तो कम नहीं आ रही, सही है? सही है ना? चलिए वेरी गुड। अब आते हैं अपन प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं, ठीक है। सेटलिंग और सेडिमेंटेशन, जनरली जब वेस्ट वाटर की बात करेंगे वहां सेटलिंग टैंक ज्यादा बोला जाता है, सेटलिंग टैंक ही बोला जाता है। तो मेजर याद रखिए, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इट इज ऑल्सो नोन एज पीएसटी। क्या बोलते हैं? पीएसटी। कोई डाउट किसी को? पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन या सेटलिंग टैंक, इट इज नोन एज पीएसटी। चलिए हो गया। अरे क्या कॉन्टैक्ट? पहला पॉइंट लिखिएगा, जैसे ग्रिट चैम्बर यूज होता है इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को निकाल रिमूव करने के लिए, तो इस तरह से पीएसटी यूज होता है आपका ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए। किसको होता है? तो लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू रिमूव, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। इट इज यूज टू रिमूव ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। डन। सेकेंड लिखिएगा, सेटलिंग वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय बाय यूजिंग स्टॉक्स लॉ। स्टॉक्स लॉ, सेटलिंग वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? बाय यूजिंग स्टॉक्स लॉ। स्टॉक्स लॉ का फॉर्मूला पता ही है, सॉइल में आपने पढ़ा ही है। वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पता ही है जल्दी से क्या था? जी माइनस वन जी डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू पढ़ा था ये, सेटलिंग वेलोसिटी जी माइनस वन जी डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू, ठीक है, 18 न्यू न्यू। क्लियर? ये डायमीटर लेस देन 0.1 mm के लिए एप्लीकेबल होता है, डायमीटर लेस देन। गामा डब्ल्यू था या जी था? अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, गामा डब्ल्यू को कन्वर्ट कर दिया है। वहां पे म्यू था, यहाँ पे न्यू है, देखो, ठीक है, वहां पे म्यू था, यहाँ पे न्यू है। ये इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे डायनेमिक विस्कोसिटी थी। क्लियर हुआ? नोट करिए।
ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते। डन हुआ, नोट किया सभी ने, ठीक चलिए फिर आते हैं डाटा के ऊपर। डिजाइन डाटा लिखिएगा, फिर लिखिएगा डिजाइन डाटा। ये मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, ये जो वेस्ट वाटर वाला पार्ट है ये मेंस में आपके ज्यादा पूछा जाता है, तो डिजाइनिंग पार्ट इसमें ज्यादा है। डिजाइन डाटा में लिखिएगा डेप्थ, डेप्थ जो होती है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की 2.5 से 3.5 होती है, 2.5 से 3.5 मीटर होती है, फर्स्ट इट इज द डेप्थ। सेकंड वन लिखिएगा डिटेंशन टाइम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेंशन टाइम 2 से 2.5 घंटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेंशन डिटेंशन टाइम, इसको स्टार मार्क करेगा, 2 to 2.5 आवर्स, ये एसएससी में क्वेश्चन है अपना, ठीक है। बाकी डिजाइन डाटा है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट वन इज दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब फ्लो वेलोसिटी की बात कर रहा है, कितना 0.3 मीटर पर मिनट, ये पढ़ चुके हैं अपन पहले भी फ्लो वेलोसिटी। नेक्स्ट वन दी विड्थ ऑफ द टैंक, विड्थ कितनी होगी इसकी, विड्थ ऑफ द टैंक 6 मीटर, कितनी 6 मीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा एल बाय बी रेशो, एल बाय बी रेशो 4 to 5 के बीच में होगा, तो अपने को जनरली हमेशा 4 मानेंगे जब डिजाइनिंग करोगे, तो 4 to 5 और हम क्या मान के चलेगा 4, ये तो किसके लिए हो गया, एल बाय बी रेशो रेक्टेंगुलर टैंक के लिए, और जनरली रेक्टेंगुलर टैंक ही डिजाइन करते हैं। बट अगर बाय द वे अगर सर्कुलर टैंक का पूछा गया है क्वेश्चन, तो डायमीटर 60 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो डायमीटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 मीटर इन केस ऑफ सर्कुलर टैंक, ये डाटा पूछा गया है सर्कुलर टैंक, तो जो डाटा पूछा है उस पर स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, ये चीजें याद रख लीजिएगा। एक एरा, एक एरा एक डेप्थ भी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव की बातें हैं, बाकी सब आपकी डिजाइनिंग की बातें हैं। आगे आगे नोट हुआ सभी का, बताओ। ओवरफ्लो रेट एक और लिख लो, सिक्स्थ ओवरफ्लो रेट, आ 25 से 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये तो होती है आपकी एवरेज, और पीक की बात करेंगे मतलब मैक्सिमम इज 50 to 60, 50 to 60 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, डिजाइनिंग में काम आएगी आपकी ओवरफ्लो रेट। तो कुछ डाटा है आपके पीएसटी के, ये नोट करिएगा, और इट रिमूव 40 to 70%, इट रिमूव 40 to 70% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ये भी लिख लीजिएगा 40 to 70% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। हाँ क्या होगा सर, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर है, कट नहीं सकते क्या,
अरे यार बेटा ऐसे थोड़ी होता है यार, मीटर क्यूब का मतलब इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम पर मीटर स्क्वायर और पर डे के अंदर, वो वॉल्यूम है, ये एरिया और ये टाइम है बेटा। हाँ सर ऑर्गेनिक होगा, बिल्कुल होगा ऑर्गेनिक। 40-70% सस्पेंड सॉलिड्स ऑर्गेनिक सस्पेंड सॉलिड्स को रिमूव कर देता है। चलिए हुआ डन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये नोट हो गया सभी का तो जल्दी से। डिजाइनिंग में बेटा फोर लेके चलिएगा, फोर फोर आपका कॉमन है, मोस्ट कॉमन फोर ये। अब आइए अब क्या कहने वाले हैं कि जो ग्रिड चैम्बर है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ग्रिड चैम्बर और पीएसटी इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, 1 डिग्री ट्रीटमेंट, एनारोबिक ट्रीटमेंट। ठीक है समझ में आया? तो नोट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं अपन, सारे मैं आपको पॉइंट्स लिखा देता हूँ जितने भी पॉइंट्स है, या पीएसटी के पीएसटी में लिखा हो या सेकेंडरी के सेकेंडरी में लिखा हो बताओ, या सारे यहीं लिखा देता हूँ। देखो चलो यहीं पे लिखा देते हैं, ग्रिट चैम्बर, ग्रिट चैम्बर जो क्या रिमूव करता है सर, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस पीएसटी को, इन दोनों प्रोसेस को, दोनों ट्रीटमेंट को मिला के बोलते हैं 1 डिग्री ट्रीटमेंट, इट इज नोन एज 1 डिग्री ट्रीटमेंट। सेकंड इसी का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट, और एनएरोबिक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डन हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर ग्रिड चैम्बर और पीएसटी का जो सम होता है, ग्रिड चैम्बर और पीएसटी का सम होता है, इन दोनों ट्रीटमेंट को मिला के कहा जाता है 1 डिग्री ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर पूछता है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट या 1 डिग्री ट्रीटमेंट या एनएरोबिक ट्रीटमेंट कौन करते हैं, ग्रिड चैम्बर प्लस पीएसटी। ठीक है देखिए ग्रिड चैम्बर इसके लिए लिख लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड और ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। अब बात आती है दिमाग में कई सारे जनों के, सर ये एनएरोबिक या 1 डिग्री ट्रीटमेंट क्यों होता है, ये एनएरोबिक क्यों होता है? भाई सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एनएरोबिक ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं। एनएरोबिक ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले तो इसमें वेस्ट वाटर है, और वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। फिर भी इसको एरोबिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, एरोबिक तो हम खुद करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ऑक्सीजन को हम ऐड कर सकते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट इनिशियल में सर होगा क्या कि ऑर्गेनिक मटेरियल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, जिससे आसपास की पूरा अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो जाएगा। इसलिए तो फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट एनएरोबिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट कैसा होगा, एनएरोबिक होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इनिशियल में ऑर्गेनिक मटेरियल कंसंट्रेशन सर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि माइक्रोजम्स की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी, जो अनसेटिस्फैक्ट्री या अनप्लीजेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी, इसलिए इसको एनएरोबिक करेंगे। ठीक है क्लियर हुआ सभी को? सेकंड, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, इसे एरोबिक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, एरोबिक, इसे एरोबिक ट्रीटमेंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? अब एक और लिखिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखिएगा, सीवेज के अंदर हम कभी भी कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का यूज नहीं करते हैं, कभी भी हम सेडिमेंटेशन के लिए कॉगुलेंट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कोई बताएगा कि व्हाई वी कैन नॉट यूज कॉगुलेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, बताओ? बोलिए
ब्लॉक कर देगा। वेरी गुड। क्या हुआ, देखो होता क्या है कि जब आप कॉगुलेंट यूज करोगे, एक तो जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे, जितने ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा आपको कॉगुलेंट यूज करना पड़ेगा। तो एक तो डोज ऑफ कॉगुलेंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सर रॉ वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स कम होते हैं, वेस्ट वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा सॉलिड्स से ज्यादा आपने कॉगुलेंट यूज करना पड़ेगा। डोज कॉगुलेंट बढ़ गया, अमाउंट ऑफ कॉगुलेंट बढ़ गया, इन इकोनॉमिकल हो गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर कॉगुलेंट का यूज करोगे तो कॉगुलेंट स्टिक करके फ्लॉक्स बनाएगा, तो पहले ही तो सर उसके अंदर स्लज है, वही तो डिस्पोजल की प्रॉब्लम है। और स्लज बन जाएगी तो स्लज क्या हो जाएगी, का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डिस्पोजल की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब लिखिएगा थर्ड के अंदर, इन सीवेज ट्रीटमेंट कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। इन सीवेज ट्रीटमेंट कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड। बिल्कुल बड़े से याद रखिएगा कि कभी भी सीवेज के अंदर कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक का यूज नहीं करते हैं। बिकॉज रीजन क्या है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो लिखिएगा ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज विच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ क्लोरीन या विच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कॉगुलेंट, नॉट क्लोरीन, विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कॉगुलेंट। इन सीवेज ट्रीटमेंट कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन आर नॉट यूज ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। नोट किया, फिर अब इससे होगा क्या सर, उसे ये कंटिन्यू करना है कि हमने कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का यूज नहीं लेते हैं क्योंकि सर लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोजम्स ऑर्गेनिक मटेरियल दिस विल क्रिएट फ्लोक्स में बी फॉर्म्ड, फ्लोक्स में बी फॉर्म्ड, फ्लोक्स फॉर्म होंगे विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ स्लज, वॉल्यूम ऑफ स्लज को बढ़ा देगा। क्योंकि जितना कॉगुलेंट डालोगे वो कॉगुलेंट भी तो कंबाइंड होगा उस ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो भी तो स्लज बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्लज और बढ़ जाएगी। स्लज का डिस्पोजल तो प्रॉब्लम है, स्लज को डिस्पोज करना है, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो फ्लोक्स में फॉर्म विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ स्लज, वॉल्यूम ऑफ स्लज को क्या कर देता है सर, इंक्रीज कर देता है। एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कॉगुलेंट इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कॉगुलेंट इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ कॉगुलेंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कॉगुलेंट क्या होगी, इंक्रीज। क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि सर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, सस्पेंड सॉलिड ज्यादा है, तो कॉगुलेंट और ज्यादा लगेगा। डिपेंड किस पे करता है सर, वो डिपेंड करता है आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स के ऊपर। जितना सस्पेंड सॉलिड है उतना ही ज्यादा कॉगुलेंट का यूज होगा, तो उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा कॉगुलेंट यूज करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो स्लज के डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सीवेज के अंदर कभी भी कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन नहीं करते हैं। डन हुआ। तो ये तो हुई हमारा पीएसटी की बात। अब आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। डन सभी का, तो लिखिएगा द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा होगा, अभी पढ़ा था हमने। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एरोबिक,
इट इज कैरिड आउट एरोबिकली, लिखिए, एरोबिकली। तो इसके अंदर फर्स्ट लिखिएगा, इसके अंदर फर्स्ट लिखिएगा ट्रिकलिंग फिल्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिकलिंग फिल्टर, क्वेश्चन आता है इससे, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वेरी गुड, 1 डिग्री ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो इसको ये भी लिख सकते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल। ठीक है, वहां पे लिख लीजिएगा सेकेंड ट्रीटमेंट एरोबिक ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और यहाँ पे आ जाएगी फिर ट्रिकलिंग फिल्टर। हो गया नोट? ट्रिकलिंग फिल्टर समझने से पहले इसका हम डायग्राम समझते हैं, बाकी तो सब कुछ थ्योरी है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं इसका, इसमें होता क्या है कि ये आपके बेड की लेयर है, ग्रेवल बेड की लेयर है, ये फिल्टर की तरह रिएक्ट करेगी, नीचे आपकी ड्रेन्स होती हैं, अब यहां से सबसे पहले क्या होगा, सतलज आएगी, यहां से पहले वेस्ट वाटर आएगा, और वेस्ट वाटर कहां से आएगा, पीएचसी से आएगा, नहीं आएगा क्या, क्योंकि इससे पहले क्या था सर, पीएचटी था, प्राइमरी सर्कुलेशन टैंक, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम पीएचटी, पीएचटी से वेस्ट वाटर आया, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी आपके ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज थी वो क्या हो गई, सरफेस के ऊपर ट्रैप होने लग गई, ट्रैप होने लग गई, और वाटर सीवेज क्या आ गया, यहां से वाटर आपका जो वेस्ट वाटर था वो फ्लो होने लग गया, यहां से वेस्ट वाटर क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया, और ये फ्लो होके ये वेस्ट वाटर क्या हो गया, ड्रेन्स के थ्रू आपका चला गया सेकेंडरी सल्यूशन टैंक में। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से कहां जाएगा, सेकेंडरी सल्यूशन टैंक में, तो 2SST, तो क्या लिखेंगे 2SST, कहां गया SST, कहां से आया PST से। अब यहां पे क्या देखा, ये वाटर यहां पे आपका वेस्ट वाटर यहां पे इकट्ठा हो गया, और जहां क्यों, क्योंकि सर ये स्लाइम लेयर बन रही थी, इस लेयर को बोलते हैं दिस इज नोन एज योर स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर का मतलब क्या होता है, सो जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, इट इज अ लेयर व्हिच कंटेनिंग द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज द स्लाइम लेयर, इसमें क्या हो गया आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, जिसकी थिकनेस कितनी होती है 0.1 से 2 mm होती है, 0.1 से 2 mm होती है आपकी स्लाइम लेयर की थिकनेस, और 2 से 3 वीक्स के अंदर ये बन जाती है, 2 से 3 वीक्स के अंदर ये स्लाइम लेयर बन जाएगी। अब सर इसमें डिकम्पोजन एरोबिक कैसे हुआ, भाई टैंक ऊपर से देखो, ऊपर से क्या है सर, एटमोसफियर से ओपन है, तो एटमोसफियर से ओपन है तो ऊपर से क्या लेगा ये ऑक्सीजन को, और ऊपर से ऑक्सीजन को ऐड करके, और ये क्या करेगा, इस स्लाइम लेयर में जो प्रेजेंट है आपके एरोबिक, आपके माइक्रोजम्स ऑर्गेनिक मैटर, उनको डिकम्पोज करेगा, तो ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, ये लो नोट करिए, बैक साइड, डन, आ जाइए। तो क्या देखा सर, पीएससी से वाटर आया, वाटर सीप किया और एसएसटी की तरफ चला गया, तो यहाँ पे जो स्लाइम लेयर बनी है ये ऑर्गेनिक लेयर होती है, जो कि ऑक्सीजन के करंट प्रेजेंस में आके एरोबिक डिकम्पोज होगी, तो एरोबिक डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आता है कि सर इस ट्रिकलिंग फिल्टर को अटैच ग्रोथ सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इट इज अ अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम,
तो दो वर्ड होते हैं सर। अभी तो आपने लिखा अटैच, कहीं लिखेंगे अपन सस्पेंडेड। अब देखिएगा उनका मतलब क्या है, उनका मतलब कब समझ में आएगा, जब आपने डायग्राम देख रहा होगा। अटैच ग्रोथ सिस्टम मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किसी फिल्टर मीडिया फिल्टर बेड के ऊपर रिटेन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे स्टिक हो गया, ये स्टिक हो गया, तो ये क्या है अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं अटैच ग्रोथ सिस्टम। जिसमें वो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहेगा, जिसमें कोई फिल्टर बेड का यूज नहीं किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अभी क्या है ये फिल्टर बेड के ऊपर अटैच हो गया, इसको बोलते हैं अपन अटैच ग्रोथ सिस्टम। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या है, इट इज अटैच ग्रोथ सिस्टम। तो ये वर्ड भी पूछते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर कैसा है सर, अटैच ग्रोथ सिस्टम है, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम। टोटल कैसा हो बोलेंगे, ये एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है, अटैच ग्रोथ सिस्टम। समझ में आया इस वर्ड का नाम कि एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम क्या होता है, इसमें जो डिकम्पोजन हो रहा है एरोबिकली हो रहा है, और वो पार्टिकल्स जो है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वो उस मीडियम के ऊपर अटैच, जहां पे मीडियम यूज होगा वहां पे क्या कहेंगे उसको अटैच कहेंगे, जहां पे सस्पेंडेड फॉर्म होगा उसको सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम कहेंगे। तो एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम होता है कौन सा, ट्रिकलिंग फिल्टर। हो गया सभी का नोट, डायग्राम बना दिया आपने, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये तो पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन एरोबिक सिस्टम इज मोर देन एन एरोबिक सिस्टम। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है मतलब डिकम्पोजन की रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ब्रैकेट में डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, अगर सिंपल वर्ड लिखना है तो डिकम्पोजन लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इसको डिकम्पोजन, वो उसकी रेट एरोबिक सिस्टम में मोर होगी एनारोबिक से, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है जल्दी से रिएक्ट करते हैं कंपेयर टू एनारोबिक बैक्टीरिया से। सैंड पार्टिकल से या ग्रेवल है बेटा, एक ग्रेवल सेवन पार्टिकल से। इनकी कोई हाइट नहीं होती, जनरलाइज है ये, ठीक है जनरलाइज है, सिर्फ प्रोसेस समझना है कि ट्रिकलिंग फिल्टर कैसे वर्क करता है। डन हो गया सभी का, बताओ ना, तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हो ना, इतनी चीजें पूछता है। जनरली पूछेगा स्लाइम लेयर कितने थिकनेस होती है और कितने वीक में बनती है। स्लाइम लेयर में भी दो कंडीशन हो सकती है कि जो ऊपर की जो स्लाइम लेयर है टॉप की लेयर, इसमें एरोबिक होगा, नीचे वाली में एनारोबिक होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ऊपर की ही क्या करेगी। हाँ स्लाइम लेयर लिखा है आपने, हाँ स्लाइम लेयर ही था, स्लाइम लेयर लिखा है। बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल में क्या डिफरेंस है, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल लगभग एक ही, पर बायोकेमिकल डिमांड ही बोलते हैं उसे, ठीक है बायोकेमिकल डिमांड ही बोलते हैं। बायोलॉजिकल होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है बायोलॉजिकल होता है बैक्टीरिया के थ्रू, एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू क्या करना है अपने, एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू उसको डिकम्पोज करना है, ठीक है। चलिए आ जाइए,
अब आते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के, और थोड़ा सा अंदर चलते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ट्रिकलिंग फिल्टर आर ऑफ टू टाइप्स। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और एक होता है आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। एक वैसे सुपर हाई रेट भी होता है पर वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट, दो तरह के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड रेट और एक हाई रेट। इनका क्या पढ़ना है, केवल डिजाइन डाटा पढ़ना है स्टैंडर्ड और हाई रेट का। यहाँ से आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटैच वाला बताना एक बार। हाँ एस एल आई एम, यहाँ से स्लाइम लिख दो, ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्लाइम लिख दो उसको, एस एल आई एम ई स्लाइम, बस डन खुश। अब आ जाओ, हाँ क्या कहने वाले थे कि सर अटैच वाला बताओ। अटैच का मतलब होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसको बोलेंगे अटैच ग्रोथ सिस्टम। जिसमें सस्पेंडेड के रहेगा उसे बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अगर कोई मीडियम नहीं होता तो क्या अटैच नहीं होता, वो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होता। अब आइए, इसमें टेबल पे नोट कर लिया, स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, बताओ जल्दी से। यहां से आते हैं इनके डिजाइन पैरामीटर। ये टेबल बनाइएगा, यहां से आप टेबल बनाइएगा इसका। इन डिजाइन डाटा को आपको याद रखना है बस, डिजाइन डाटा कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। लिखिएगा, फर्स्ट इज, यहां पे लिखाएगा डिजाइन पैरामीटर। डिजाइन पैरामीटर किसके लिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और ये फिर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दोनों के लिए स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। पहला पैरामीटर लिखिएगा, द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट किसमें होती है, इन मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। सेकंड लिखिएगा, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट किसके अंदर होगी, केजी पर मीटर क्यूब पर डे, केजी पर मीटर क्यूब पर डे, ये होगी आपकी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। द नेक्स्ट वन इज द डेप्थ। डेप्थ किस में होगी, इन मीटर में। एंड द फोर्थ वन इज दी रीसर्कुलेशन रेशो। रीसर्कुलेशन रेशो, ये डाटा याद रखिएगा, ये एसएससी में कई बार पूछा जाता है इनसे, हाइड्रोलिक ऑर्गेनिक लोडिंग रेट या रीसर्कुलेशन रेशो। अब यहां पे देखिएगा, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट 1:4, 1:4, 10:40। स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो आपका एफ्लुएंट जो लोड कर रहे हैं अपने ट्रिकलिंग फिल्टर में, 1:4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होगा, ये 10:40 होगा। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट किसकी ज्यादा होती है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, 1:4 और 10:40। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो कितने केजी पर मीटर क्यूब पर डे है, कितना केजी ऑर्गेनिक मैटर है पर मीटर क्यूब पर डे के अंदर, वो तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इसमें कम होगी तो उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कितना, 0.08 से लेके 0.32, 0.08 से लेके 0.32 किसके अंदर, स्टैंडर्ड रेट के अंदर, और 0.32 से 0.32 से 1, 0.32 से 1 केजी पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, इतना होगी आपकी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। नेक्स्ट लिखिएगा, डेप्थ 0.8 से 2.5, 0.8 से 2.5 मीटर स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, और 0.9 से 3 मीटर डेप्थ भी क्या होगी सर, इसकी ज्यादा होगी। अब लिखेगा रिसर्कुलेशन रेशो, ये होता है इसके लिए 0 और ये 0.5 से 3। अब ये रिसर्कुलेशन रेशो क्या होता है वो देखते हैं, पहले इतना लिख लो।
धनुआ। चलिए, डेप्थ किसकी है? डेप्थ बेटा टैंक की है, ट्रिकलिंग फिल्टर की, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर तो बेटा उसकी डेप्थ की बात हो रही है। ढाई मीटर की डेप्थ नहीं होगी बेड की, ये 2.5 मीटर आपकी टैंक की डेप्थ है। अब आइए, अब आते हैं रिसर्कुलेशन रेशियो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लिखिएगा रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है। रिसर्कुलेशन रेशियो, इसका मतलब होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्लज कितने बार रिसर्कुलेट बैक कर रही है उस ट्रिकलिंग फिल्टर में, कितनी बार रिसर्कुलेट बैक कर ट्रिकलिंग फिल्टर में विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। रॉ स्लज से कोरस्पॉन्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुल मिला के कितनी बार वो रिसर्कुलेट बैक कर रही है उस टैंक के अंदर, जितनी बार रिसर्कुलेट बैक करेगी उतना ही क्या होगा उसकी एफिशिएंसी सिस्टम की अच्छी होती चली जाएगी। समझ में आया? तो रिसर्कुलेशन रेशो, ठीक है। द रेशियो आर बाई आई ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीवेज, लिखो आर बाई आई, इसको रिसर्कुलेशन रेशियो आर बाई आई ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीवेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेटेड सर्कुलेटेड को बोल रहे हैं कैपिटल आर, रिसर्कुलेटेड कैपिटल आर टू द वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज, टू द वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज जिसको क्या कहते हैं कैपिटल आई, वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज कैपिटल आई इज कॉल्ड रिसर्कुलेशन रेशियो, इज कॉल्ड रिसर्कुलेशन रेशियो। रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है कि कितनी बार कितना वॉल्यूम आपने रिसर्कुलेट बैक किया विद रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल रॉ वॉल्यूम। ये देखो द रेशियो आर बाय आई ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेट, वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेट टू द वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज इज कॉल्ड रिसर्कुलेशन रेशियो। वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया तो रेशियो में आ गया। तो कितना वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेट किया था उस टैंक के अंदर, दोबारा भेजा, रिसर्कुलेट मतलब दोबारा भेजना, ठीक है, दोबारा भेजना, रिसर्कुलेट दोबारा भेजना। तो कितना वॉल्यूम ऑफ सीवेज रिसर्कुलेट किया था किसके रेस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज, जो रॉ सीवेज आया। जैसे मैंने बोला कि आपका 10 kg पर मीटर क्यूब पर डे का आपका सीवेज आया, तो उसमें से कितना आपने रिसर्कुलेट किया, कितना वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेट किया, तो उसका रेशियो होगा जितना वॉल्यूम रिसर्कुलेट किया उसका डिवाइडेड बाय टोटल जो रॉ सीवेज का वॉल्यूम था उसको, इसको बोलते हैं रिसर्कुलेशन रेशियो। क्लियर हुआ? रिसर्कुलेशन मतलब क्या, दोबारा भेजना। जैसे टैंक है, ये ट्रिकलिंग फिल्टर का टैंक है, सपोज करिए यहाँ से आपका सीवेज आया, ठीक है, यहाँ से जब वाटर गया इसको दोबारा से आपने रिसर्कुलेट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर नहीं निकल पाया था, दोबारा से रिसर्कुलेट बैक कर दिया, फिर दोबारा से रिसर्कुलेट बैक किया। तो जितना भी वॉल्यूम आपने, जितना वॉल्यूम रिसर्कुलेट किया और कितना वॉल्यूम आपका आ रहा था, ये हो गया रॉ वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये हो गया आर, ये हो गया आई, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं आर बाई आई, इट इज नोन एज दी रिसर्कुलेशन रेशियो। बिल्कुल रिसर्कुलेट कहते हैं कि जो वॉल्यूम निकला दोबारा से आपने यहाँ पे डाला इस बेड के ऊपर, दोबारा से वो छन के वापस क्या होगा निकल गया, इसको बोलते हैं रिसर्कुलेशन। डन? बताएंगे बताएंगे, अभी सब बताएंगे, रुको। ऑब्वियस सी बात, एक से ज्यादा ही होगा, जितना आएगा उससे तो कम रिसर्कुलेट करोगे।
अब देखिए, रिसर्कुलेशन फैक्टर एक फॉर्मूला होता है, रेशो इसका एक बोलता है रिसर्कुलेशन फैक्टर, रिसर्कुलेशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एफ से। कई बार पूछे रिसर्कुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला लिखिएगा कि एफ इज इक्वल टू वन प्लस आर बाय आई डिवाइडेड बाय वन प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? वन प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं री सर्कुलेशन फैक्टर। इसे क्या कहते हैं? री सर्कुलेशन फैक्टर। डन हुआ? तो लिखिएगा इसके अंदर द री सर्कुलेशन फैक्टर, री सर्कुलेशन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव पैसेज थ्रू द फिल्टर। रिसर्कुलेशन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव पासेस पासेस थ्रू द फिल्टर। फिर नोट में लिखिएगा कि ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये नंबर ऑफ इफेक्टिव पासेस के कितनी बार, कितना नंबर नंबर में रिप्रेजेंट करेगा, 3 बार हुआ कि 4 बार हुआ, उसका रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा इन द टर्म्स ऑफ नंबर के अंदर। तो यह लिखिएगा कि व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन, व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन, जब आपका नो रिसर्कुलेशन होगा मतलब आप रिसर्कुलेट कर ही नहीं रहे उस सीवेज को, पीएसटी से आया फिल्टर होके एसएसटी से निकल गया, तो व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर बाय आई जीरो होगा। आर बाय आई क्या होगा? जीरो होगा, जैसे एसएसटी में किया था। तो फिर ये जो चीजें बता रहे किसकी है, ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में होती है। ये रिसर्कुलेशन हुआ, रिसर्कुलेशन फैक्टर हुआ, किसका है सब चीजें सर, ये हाई रेट ट्रिकलिंग, क्योंकि एसएसटी में रिसर्कुलेशन फैक्टर जीरो था तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। जब रिसर्कुलेशन फैक्टर आपका जीरो हुआ तब रिसर्कुलेशन रेशियो आपका जब जीरो हुआ तो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, फैक्टर इज यूनिटी, वन आएगा निकल के आंसर। इसको जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट करो, जीरो पुट करो, आंसर क्या आएगा, फैक्टर वन। तो क्वेश्चन पूछते हैं जनरली बच्चे का लिख देते हैं जीरो, जीरो नहीं, जब व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन, कोई रिसर्कुलेशन नहीं होगा तो रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना निकल के आता है, वन निकल के आता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे, इसमें पुट करके देख लो, आर बाई को जीरो पुट करो, आर बाई को जीरो पुट के तो वन बाय वन वन ही बच जाएगा आपका। डन? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन है अपना एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना होता है सर, वन होगा। जब रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होगा सर, हमारा जीरो होगा। सर इस फिर क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेशन का वन होता है, हाँ वन, बिल्कुल वन होगा। वहां पे अपन ने क्या लिख रखा है, वहां जीरो क्या लिख रखा है, वो रिसर्कुलेशन रेशियो लिख रखा है बेटा। रिसर्कुलेशन रेशियो मतलब अपन ने क्या लिख रखा है सर, ये आर बाय आई लिख रखा है, फैक्टर नहीं लिख रखा है, रिसर्कुलेशन रेशियो लिख रखा है आर बाय, अगर वो फैक्टर बोलेगा तो वन होगा। ठीक है? डन हुआ? कोई डाउट? रिसर्कुलेशन रेशियो कब जीरो होगा? अरे भाई स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में, कि यहां से वाटर आया, यहां से वाटर आया और यहां से एसएसटी में चला गया, यहां से पीएसटी से आया, यहां से ग्रेवल बेड के आपके सैंड लेयर के ऊपर से होते हुए फिल्टर होते हुए एसएसटी में चला गया, बस नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, दोबारा आया ही नहीं। दोबारा जब आने को कहते हैं वो किस में होगा, वो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में होगा। जितने भी फैक्टर हैं सभी किसके हैं सर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के। क्यों लोकेश? क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? हाँ, एक एक क्या बच्चे बोल रहे हैं आयुष, समझ नहीं आया आपका। अच्छा, स्टैंडर्ड में रिसर्कुलेशन नहीं करते क्या?
रिसर्कुलेशन नहीं करते स्टैंडर्ड में। यहाँ से पीएससी से पानी एसएसटी चला गया, नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, आपका सेकेंडरी सॉल्यूशन टैंक में चला गया, फिर आगे से स्लज थिकनेस स्लजाइजर पे चला गया। कोई डाउट? तो ये जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन पूछ ले किसकी प्रॉपर्टी होगी, तो सर ये हाई रेट की होगी, स्टैंडर्ड रेट की नहीं होगी। सर स्टैंडर्ड रेट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, रिसर्कुलेशन अपन कराते ही नहीं है। डन, चलिए सर जीरो कब होगा अभी तो बताया बेटा, जीरो कब होगा, रिसर्कुलेशन रेशो जीरो कब होगा, फैक्टर जीरो नहीं हो सकता ना, फैक्टर जीरो कैसे कर दोगे, करके बताओ, फैक्टर जीरो नहीं होगा। रेशो जीरो होगा, ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब लिखेंगे अपन ऑपरेशनल ट्रबल, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ऑपरेशनल ट्रबल एसोसिएटेड विद स्लो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑपरेशनल ट्रबल इन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। भाई स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट समझ में आ गया सर, स्टैंडर्ड रेट में रिसर्कुलेशन नहीं होगा, एक बार वाटर आया और चला जाएगा, और हाई रेट के अंदर ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होगा, रिसर्कुलेशन होगा। एफिशिएंसी रिसर्कुलेशन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल जितना ज्यादा रिसर्कुलेट करोगे भाई, एक एक कोई आपका सपोज करोगे कोई आपका फिल्टर है जिसमें से आप कोई भी कलर ये हुआ या आपका कोई भी फ्लूइड आप उसको उसमें फिल्टर कर रहे हो, जितनी बार उसको फिल्टर करोगे उतनी बार क्या होगी, इम्प्योरिटीज कुछ ना कुछ रिटर्न होते चले जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये तो जितना ज्यादा रिसर्कुलेशन होगा आपका फैक्टर होगा, जितना ज्यादा रिसर्कुलेशन रेशियो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है, अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन ट्रबल फ्लाई न्यूसेंस लिखिएगा, सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड द थर्ड वन इज द पॉन्डिंग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में देखने को मिलती है फ्लाई न्यूसेंस, ऑर्डर प्रॉब्लम और पॉन्डिंग प्रॉब्लम, ऐसा क्यों, स्टैंडर्ड रेट में ही क्यों मिलती है सर, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लिखा है, हाई रेट में क्यों नहीं मिलती, कोई बताएगा जल्दी से बताओ। बताओ कोई रीजन बताएगा कि व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट सीन इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, बताओ या नहीं पता भाई, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है तो सीवेज जो रहेगी हमेशा फ्रेश कंडीशन में रहेगी और वो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड रेट में ज्यादा देर तक रहता है सीवेज, वेरी गुड, स्टैंडर्ड ज्यादा देर तक रहता है और रिसर्कुलेशन नहीं होता, ये भी बात हो गई, पर एक हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा होती है 1 से 4 और 4, 10 to 40, कितने ज्यादा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, तो जितने भी आपकी पॉन्डिंग प्रॉब्लम कम होगी, जब आपकी स्लाइम लेयर बनेगी, स्लाइम लेयर बनने नहीं देगा, जैसे ही क्या हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है तो क्या होगा, स्लाइम लेयर को ब्रेक करता रहेगा, ब्रेक करता रहेगा तो क्या होगा, रुकेगा ही नहीं, पॉन्डिंग होगा ही नहीं, पॉन्डिंग नहीं होगा तो फ्लाइंग न्यूसेंस नहीं होगा, फ्लाइंग न्यूसेंस नहीं होगा तो सर ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है, समझ में आया रीजन इसका, तो लिखो अगर फ्लाइंग न्यूसेंस होता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव बाय यूजिंग डीडीटी, डीडीटी पाउडर यूज करते हैं। फ्लाइंग न्यूसेंस होता है मक्खी मच्छर का पैदा हो जाना, भाई पानी अगर रुका रहेगा एक जगह पे तो क्या होगा, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइंग न्यूसेंस, इट इज रिमूव बाय यूजिंग डीडीटी, डीडीटी का यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ऑर्डर प्रॉब्लम, भाई अगर ऑर्डर प्रॉब्लम तो कैसे रिमूव करेंगे, तो इंक्रीज कर दो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, या तो कर दो इंक्रीज, इंक्रीज हाइड्रोलिक लोडिंग रेट या रिसर्कुलेशन कर दो, या रिसर्कुलेशन कर दो, उस स्लज को रिसर्कुलेट बैक कर दो, रिसर्कुलेशन कर दो। पॉन्डिंग प्रॉब्लम के लिए, अरे पॉन्डिंग होगा, पॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, काई जम जाएगी, काई को एलगी, एलगी को रिमूव कर लेंगे यूजिंग कॉपर सल्फेट, पढ़ा था कॉपर सल्फेट, भाई रुके हुए पानी में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे डीडीटी, फुल फॉर्म बताऊं आपको, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो
ट्राइक्लोरो इथेन लिख दीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डन। चलिए, तो फ्लाइंग न्यूसेंस क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्लाइंग न्यूसेंस मक्खी या मच्छर पैदा होना, इसको रिमूव करते हैं डीडीटी से। ऑर्डर प्रॉब्लम रिसर्कुलेशन कर दो, हाइड्रोजन लोडिंग रेट को बढ़ा दो, और पॉन्डिंग प्रॉब्लम सर कॉपर सल्फेट का यूज कर लो, ठीक है। और ये सभी प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। हाई रेट में क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा सीवेज फ्रेश रहती है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा होती है, उसमें सीवेज का रिसर्कुलेशन होता है, इसलिए चीजें देखने को नहीं मिलती। सर पॉन्डिंग प्रॉब्लम तो एचआरटी में भी होगी, पॉन्डिंग कब होगी, पॉन्डिंग जब होगी जब आपके ऑर्गेनिक मैटर वहां पे स्टेबल होंगे। बिल्कुल बात है सर, स्टेबल तो होंगे, और लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि सर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एक प्रेशर से अगर आप पानी वहां पे जाएगा तो क्या होगा, वो एल्गी की लेयर क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो नोट में लिखिएगा, नोट में पॉइंट लिखिएगा, इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एज द सीवेज इज फ्रेश एट ऑल टाइम, सीवेज इज फ्रेश एट ऑल टाइम एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज मोर, रेट इज मोर, और भी लिख सकते हो सर, रिसर्कुलेशन भी होता है, चाहो तो लिख सकते रिसर्कुलेशन। देयरफोर दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट सीन इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। हाँ सर, साइज ऑफ सैंड पार्टिकल पर भी डिफरेंट होंगे ना, इनमें सैंड पार्टिकल का साइज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और इसके अंदर डिफर नहीं, इसमें लोडिंग रेट ज्यादा होती है, डिफर तो ऑब्वियस बात होगा क्योंकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, तो अपने उसी की तरह मानो फिर रैपिड सैंड फिल्टर के साइज के पार्टिकल बड़े होंगे, पर इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है साइज ऑफ प्री पार्टिकल के ऊपर, इसमें केवल इसको स्पेसिफाई किया है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, डेप्थ हो गया, इन्हीं के ऊपर इसको स्पेसिफाई किया है, ठीक है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं इसका, कोई प्रॉपर किसी बुक के अंदर नहीं लिख रहा है कि इसकी डेप्थ क्या होगी, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ठीक है। चलिए, हो गया नोट। आपको डिजाइनिंग के फॉर्मूले बताते हैं, कुछ डिजाइनिंग के फॉर्मूले बताते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के, वो लिखिएगा। अगर डिजाइनिंग का क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप लिख सकते, बना सकते हैं, आ जाइए। तो हेडिंग लिखिएगा डिजाइन ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, डिजाइन ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। फर्स्ट फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, सरफेस एरिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, सरफेस एरिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर का फॉर्मूला लिखिएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी प्लस रिसाइकल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी प्लस रिसाइकल, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी प्लस रिसाइकल डिस्चार्ज डिवाइड बाय हाइड्रोलिक लोडिंग, इंक्लूडिंग लिखो, इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। तो ये तो पहला फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, वॉल्यूम ऑफ
ट्रिकलिंग फिल्टर, लिखिएगा डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी इनटू बीओडी ऑफ पीएसटी एफ्लुएंट। बीओडी इन बीओडी ऑफ पीएसटी एफ्लुएंट, बीओडी ऑफ पीएसटी एफ्लुएंट डिवाइडेड बाय दी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक यहां पे एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। डन। थर्ड लिखेगा, थर्ड इज द डाया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो पता ही है डाया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 मीटर। ये डाया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 मीटर। सर SRTF का भी डिजाइन आता है? नहीं, SRTF का नहीं आता, आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का डिजाइन आता है आपका। ठीक है, उसमें डिजाइन स्टेप सारी सेम होगी, सिर्फ आपकी एफिशिएंसी वाली वैल्यू डिफरेंट होती है, केवल आपकी एफिशिएंसी वाली वैल्यू डिफरेंट होगी। होने में तो काफी सारा डाटा है, लिखने में तो रिसाइकल की बात क्या लिखा है, रिसाइकल डिस्चार्ज है वो। ठीक है, होने में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ज्यादा नहीं पढ़ना SSC के लिए, आपको मिनिमाइज डाटा पढ़ने और जो टू द पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आता है एफिशिएंसी का। सर HRT में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कितनी थी? वो अपनी थी ना 0.32 से 1। ठीक है, ठीक है, हो गया, चले आगे। अब आते हैं एफिशिएंसी, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों की अलग-अलग होती है, तो एफिशिएंसी ऑफ फिल्टर, फिल्टर ये है SSC का क्वेश्चन, यहां से एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है। तो पहला लिखेगा स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। लिखिए एफिशिएंसी किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के अंदर होगी। इट इज इक्वल टू दी 100 वन प्लस 0.0044 0044 अंडर रूट यू। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का। यू क्या है, हियर यू इज दी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ये क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट किसके अंदर थी, बताया था आपको केजी पर, यहां पे लेंगे केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में लेंगे, केजी हेक्टर मीटर पर डे के अंदर। ठीक है, अंडर रूट यू, वेरी गुड, 1/1 प्लस 0.004 अंडर रूट यू। मनोज ये हेक्टेयर मीटर याद रखना है, जब वैल्यू लेंगे हेक्टेयर मीटर के अंदर लेंगे। तो डिजाइनिंग तो मेंस में आती है आपकी, ठीक हो गया।
डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी नीटा इन परसेंटेज विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0044 वाई बाई वी एफ, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, वाई बाय वी एफ। तो वाई क्या होता है, वाई इज दी टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, वाई इज दी टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इन केजी पर डे, केजी पर डे, और वी इज दी फिल्टर वॉल्यूम, फिल्टर वॉल्यूम हेक्टेयर मीटर के अंदर वी। फिर एफ इज दी रीसर्कुलेशन फैक्टर, रीसर्कुलेशन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा कि रीसर्कुलेशन फैक्टर, ठीक है, फॉर्मूले से 1 प्लस R अपॉन में I, 1 प्लस 0.1 R अपॉन में I का होल स्क्वायर से रीसर्कुलेशन फैक्टर निकालोगे कैपिटल एफ। और डायरेक्ट अगर आपको ली दे वाई बाय वी एफ की, तो इसको बोलते हैं यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अगर डायरेक्टली आपको वैल्यू दे रखी किसकी, वाई बाय वी एफ की, तो इसको बोलेंगे यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। रिसाइकल डिस्चार्ज मतलब दोबारा से रिसाइकल हुआ है वो कितना मीटर क्यूब था पर सेकेंड डिस्चार्ज, उसको बोलेंगे रिसाइकल डिस्चार्ज, ठीक है। केजी हेक्टेयर मीटर पर डे, ये किसमें होगा, केजी हेक्टेयर मीटर पर डे के अंदर होगा, डन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट लिख करिएगा। रिसाइकल डिस्चार्ज का मतलब जो एसएसटी से निकला था उसको दोबारा से रिसर्कुलेट बैक किया पीएसटी से उस ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे इस रिसाइकल डिस्चार्ज कहेंगे, ठीक है। आयुष हाँ, ये रिसर्कुलेशन है सर, रिसर्कुलेशन फैक्टर है बेटा, ये रिसर्कुलेशन फैक्टर है। रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या था, 1 अपॉन में R बाय I अपॉन 1 प्लस 0.1 R बाय I का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, वन नोट। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर टू स्टेज रिसर्कुलेशन किया जाएगा, टू स्टेज रिसर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक बार नहीं उसको दोबारा से रिसर्कुलेट बैक किया जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या होगी सर, बढ़ेगी। रिसाइकल्ड डिस्चार्ज रिसर्कुलेशन होता है, बिल्कुल रिसाइकल्ड डिस्चार्ज, वो रिसर्कुलेशन वाला जो डिस्चार्ज उसको रिसाइकल्ड डिस्चार्ज बोलते हैं। रिसाइकल जिस वेस्ट को दोबारा से यूज करना उसे बोलते हैं रिसाइकल्ड वेस्ट, तो इसी तरह से जिस जो एफ्लुएंट दोबारा यूज करना रिसाइकल बोलते हैं, रिसाइकल डिस्चार्ज, क्लियर हुआ। तो एक और लिखिएगा, इन टू स्टेज फिल्टर लिखिए फाइनल एफिशिएंसी इन टू स्टेज फिल्टर, भाई दो बार उसका अगर फिल्टर कर रहे हैं, टू स्टेज फिल्टर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन डैश इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट वी वाई बाय वी एफ अपॉन में 1 माइनस एन, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस एन।
है, यहाँ सभी पे डैश डैश और डैश लगा दो, इन सभी पे क्या लगा दो, डैश लगा दो। अब लिख लो, हाँ सर क्लियर हुआ। अब ये लिखो फटाफट के वाई डैश, वाई डैश क्या था सर, वाई डैश इज द टोटल बियोडिन एफ्लुएंट, फर्स्ट स्टेज किसमें था, केजी पर डे के अंदर, टोटल बियोडिन एफ्लुएंट इन फर्स्ट स्टेज, वी डैश इज दी वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेज फिल्टर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेज फिल्टर हेक्टर मीटर, एफ डैश इज द रिसर्कुलेशन फैक्टर फॉर द सेकेंड स्टेज फिल्टर, सेकेंड स्टेज फिल्टर। फिर लिख दीजिएगा एन डैश नीटा डैश, नीटा डैश इज द फाइनल एफिशिएंसी ऑब्टेंड आफ्टर टू स्टेज फिल्ट्रेशन, फाइनल एफिशिएंसी ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय टू स्टेज, टू स्टेज फिल्टर या टू स्टेज फिल्ट्रेशन। ठीक है, हो गया नोट। एन क्या है बेटा, ये एन एफिशिएंसी है, एन है आपकी एफिशिएंसी, क्लियर हुआ। एन डैश रिपीट, ये फाइनल एफिशिएंसी, और ये एक बार जब रिसर्कुलेट किया तो कितनी एफिशिएंसी मिली, और ये फाइनल एफिशिएंसी कितनी होगी जब आपने टू बार रिसर्कुलेट किया, तो टू स्टेज फिल्ट्रेशन है, बिल्कुल गिवन रहेगा। ये सब बेटा डिजाइनिंग के जब मेंस की क्लास लोगे तब पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल अपने फॉर्मूले काम के थे, फॉर्मूले को लिख दिया अपन ने, तो वहां पढ़ेंगे। अभी अभी इन चीजों को ज्यादा इसमें डीप मत जाओ, पहले प्री क्लियर करो, उसके बाद मेंस में अपन जब चलेंगे तब और देखेंगे इसको। फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस ही पुट करने, तो आराम से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, हुआ सब। अभी न्यूमेरिकल में चले जाओगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रह जाएगा आपका। थोड़ा तो सा पहले ध्यान दो कि क्या चीजें बताना चाह रहे हैं, बताना ही चाह रहे हैं कि जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो सभी हमारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, कि स्टैंडर्ड रेट का, हाई रेट का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लाइंग न्यूसेंस, ऑर्डर प्रॉब्लम, पॉन्डिंग प्रॉब्लम कहाँ मिलती है, और ये सर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है आपका, और फॉर रिसर्कुलेशन रेशो क्या होता है, और ये वैल्यूज ये याद रखनी है समझ वाई एस के लिए। ठीक है, 3 महीने मिलेगा आराम से, 2 से 3 महीने। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वन ये आपका हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर, यही सबसे बड़ा टॉपिक था, इसको बढ़िया आराम से अपन ने देखा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, द सेकंड वन इज द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर,
रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ चीजें कि कौन सा सिस्टम है, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है। अब समझ में आ जाएगा डायग्राम बनाते ही, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है, ठीक है। बस इतना ही पूछता है, जो आगे पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ एक्स्ट्रा है आपके नॉलेज के लिए। एसएससी काफी कम डाटा पूछता है, ये चीजें आप ही के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर। तो देखिएगा देखिएगा आपको क्या पूछेगा, केवल रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर एक कैसा सिस्टम है, एक कैसा सिस्टम है। तो ये कहाँ से आ रहा है, वही सेम फ्रॉम PST टू SST, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी बड़ी डिस्क लगी होती है, और डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है ऊपर से, एटमोसफेयर से ओपन रहती है, ओपन रहती है एटमोसफेयर से एरोबिक हो गया, और डिस्क के ऊपर इम्प्रोटिस अटैच हो जाएगी, तो अटैच ग्रोथ सिस्टम। तो डिस्क होती है यहाँ पे, सर्कुलर डिस्क होती है, ये आपकी एक सर्कुलर डिस्क है, ये आपकी एक सर्कुलर डिस्क है, और ये क्या कर रही है सर, ये क्या कर रही है, ये रोटेट करती है, सर्कुलर डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है, क्लियर हुआ। और ये हमारा है वाटर का लेवल, इसके अंदर ये वाटर का लेवल, तो जितनी बार सर ये रोटेट करेगी, और इस डिस्क के ऊपर क्या होते हैं, इस डिस्क के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं इस डिस्क के ऊपर, ठीक है, जैसे अपना चेन सेट होता है बाइक का और इन साइकिल वगैरह का, उस तरह से इसके प्रोजेक्शंस होते हैं। इस प्रोजेक्शन से क्या करते हैं, इस प्रोजेक्शंस पे आपकी इम्प्योरिटीज क्या होंगी, रुकती जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी, और एक लेयर बन जाएगी। अब जब ये इम्प्योरिटीज की लेयर इसके ऊपर रिटेन होगी, तो ये क्या है सर, ये एक अटैच ग्रोथ सिस्टम हो गया, ये कैसा है, अटैच ग्रोथ सिस्टम हो गया, अटैच ग्रोथ सिस्टम। और जब ये थिकनेस ऑफ द लेयर बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही क्या कर देंगे, डिटैच कर देंगी, और डिटैच करके नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका स्लज, ये आपका स्लज जमा हो जाएगा, और जो वाटर है वो ट्रांसमिट होके कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, क्लियर हुआ। और दूसरा कि जो डिक्स होती है, ये 0.4 टाइम्स इस डायमीटर तक डेप्थ के अंदर, वाटर के अंदर डिप होती है, बाकी 0.6 क्या होती है, सरफेस से ऊपर रहती है, अनडिप्ड रहती है। हाँ, दोनों डिस्क अटैच है, साथ के साथ में घूमती रहती है, क्लियर है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके ऊपर दो डिस्क लगी हुई है, और ऊपर से क्या आ रहा है सर, ये ऊपर से ओपन है, तो ऊपर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रही है, और ऑक्सीजन आई तो एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम हो गया। डन आया समझ में। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, दिस इज हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट इज हाईली इफेक्टिव मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओएम का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर विच ऑक्सीडाइज द बायोलॉजिकल सॉलिड्स अप टू नाइट्रेट लेवल। द बायोलॉजिकल सॉलिड्स अप टू नाइट्रेट लेवल, ये नाइट्रेट लेवल तक इसको क्या कर देता है, इस बायोलॉजिकल सॉलिड्स को डिकम्पोज कर देता है नाइट्रेट लेवल। नाइट्रेट लेवल क्या होता है सर, NO3, ये आपका स्टेबल होता है, तो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उस ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। दोबारा बताया, दोबारा क्या है बेटा, कि टैंक है, टैंक के अंदर दो डिस्क लगी होती है, डिस्क के ऊपर जैसे ही आप इसके ऊपर इम्प्योरिटीज डालोगे, डिस्क के ऊपर इम्प्योरिटीज जमेगी, और जमते जमते इम्प्योरिटीज क्या करेगी, लेयर बना देगी, जब लेयर बड़ी हो जाएगी, तो अपने आप वो डिटैच हो जाएगी, नीचे जाके जम जाएगा, स्लज हो गया, और ये PST में चला, SST में चला जाएगा, और डिस्क जो होती है डेप्थ इमर्स इन दी वाटर, वो 0.4 डी डायमीटर का, 0.4 होता है, वो इमर्स रहती है, और ये जो डिस्क होती है ये इम्पोर्टेंट होता है रोटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, बायोलॉजिकल सॉलिड्स को, किसमें, नाइट्रेट लेवल तक के लिए, ठीक है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। हो गया नोट, बताओ
अब थर्ड देखिएगा, द थर्ड वन इज द एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जिसे अपन लिख रहे थे ASP, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसके सामने लिखिएगा इट इज एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। कैसा होता है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम? सस्पेंडेड जो वर्ड है सर, ये तो पहली बार आया है, इससे पहले तो अटैच ही चल रहा था। सस्पेंडेड भी समझ में आ जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकली हुई स्लज होती है, ये दोबारा रिसर्कुलेट बैक करते एरेशन टैंक में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्या बोला? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकलने वाली स्लज को वी कैन रिसर्कुलेट बैक टू द एरेशन टैंक, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इट इज नोन एज ASP। लिखिए पहली बात तो इसकी एक लाइन ताकि समझ में आए। सेकेंडरी बायोलॉजिकल स्लज कमिंग फ्रॉम SST, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल स्लज कमिंग फ्रॉम SST सेकेंड सेडिमेंट टैंक इज रिसर्कुलेटेड बैक टू एरेशन प्रोसेस, इज रिसर्कुलेटेड बैक टू एरेशन प्रोसेस। कहां से सर्कुलेट करेंगे? एरेशन प्रोसेस में उसे सर्कुलेट करेंगे टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP। तो देखिएगा किस तरह से कि सर ये SST है, ये हमारा है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें जो ये वाटर है ठीक है, इसकी जो स्लज है, इस स्लज को रिसर्कुलेट बैक करते हैं किसमें, ये एरेशन टैंक में। तो ये कहां से आती है? PST से आती है। ये रिसर्कुलेट बैक होगी किसमें? ये एरेशन टैंक के अंदर, इसे बोलते हैं SST। और ये फिर आगे आपका चले जाएगी नेक्स्ट ट्रीटमेंट में, स्लज डाइजेस्टर पे, स्लज थिकनर पे। क्लियर हुआ? नोट में लिख लीजिएगा F/M रेशियो इज लो। अगर F/M रेशियो अगर कम होगा तो एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगा? इज हाई होगा। F/M रेशियो का मतलब होता है फूड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म्स रेशियो, फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रेशियो बोलते हैं F/M रेशियो को। डन हुआ? नोट करो। नोट करके डन करो। F/M क्या है? फूड और ये माइक्रोजम्स है ठीक है। F/M
डन। क्लियर हुआ सभी को? बताइए फिर आगे चलें। हाँ बोलो क्या हुआ। एफ बाय एम रेशो का फॉर्मूला लिखना है तो बीओडी अपॉन में माइक्रोबियल मास होता है। चाहो तो लिख दो इधर कि एफ बाय एम रेशो कैसे निकालते हैं। तो एफ बाय एम रेशो अगर किसी को डाउट है कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बीओडी लोडिंग अपॉन में टोटल माइक्रोबियल मास। बीओडी लोडिंग डिवाइडेड बाय द टोटल माइक्रोबियल मास। माइक्रोजम्स का मास बोलते हैं माइक्रोबियल मास। माइक्रोबियल मास इसको बोलते हैं एफ बाय एम रेशो। क्लियर हुआ? और कोई डाउट? एसएसटी के बाद दही लगा रखे बेटा। एसएसटी से जो स्लज होगी उसको एरिसन टैंक से पास करेंगे। पहले वाटर आया एसएसटी में गया, एसएसटी से फिल्टर होके एरिसन टैंक से दोबारा एसएसटी में जाएगा। इसे बोलते हैं आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है तो लिखो बीओडी लोडिंग अपन टोटल माइक्रोबियल मास, इसको बोलते हैं अपन एफ बाय एम रेशो। दोनों ही किसमें होते हैं? ग्राम में होते हैं। ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा तो रेशियो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो रेशियो बन गया आपका। डन। एरिजन टैंक में पीएसटी से आता है सीवेज, पहले वाटर एसएसटी में जाएगा, एसएसटी रिसर्कुलेट बैक होगा एरिशन में, एरिशन से दोबारा एसएसटी में जाएगा, ऐसा होता है। हाँ क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं इन सब से क्योंकि ये डिजाइनिंग वाले पार्ट है ये सारे, इनके डाटा डाटा से क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले डाटा इनसे क्वेश्चन आएंगे बस। ठीक है अब आ जाइए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। द नेक्स्ट वन इज द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। यहाँ पूछ लेते हैं कई बार स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, एसवीआई कहते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। लिखिएगा इसके अंदर सही है। माइक्रोबियल मास बताना, माइक्रोबियल मास माइक्रोजम्स का मास कितना है, जिसमें माइक्रोजम्स जो है जो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को उनका मास कितना है, इसको बोलते हैं माइक्रोबियल मास। ठीक है अब लिखिए इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन एमएल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन एमएल बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स, बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स व्हेन अलाउ टू सेटल फॉर 30 मिनट, व्हेन थर्टी मिनट्स। ठीक है तो इसके अंदर यूनिट क्या होती है? एमएल पर ग्राम। कितने एमएल, कितने वॉल्यूम स्लज ऑक्यूपाइड हुई है उस 1 ग्राम सॉलिड के कारण, जो 1 ग्राम सॉलिड है तो कितना एमएल स्लज हुई उसे बोलते हैं स्लज बाय वॉल्यूम इंडेक्स, एसवीआई। इट इज नोन एज स्लज बाय वॉल्यूम इंडेक्स। तो एसवीआई का फॉर्मूला भी होता है वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट। लिख दीजिएगा वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट बी, वॉल्यूम ऑफ स्लज अपॉन मास ऑफ स्लज।
कितना वॉल्यूम है स्लज का डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्लज कितना है, इसको बोलते स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। देन और इट इज जनरली कितना है, इट इज जनरली 80 to 150, इट इज जनरली इन बिटवीन, किस में दी यूनिट ml पर ग्राम, लिख दीजिए इट इज जनरली 80 to 150 ml पर ग्राम। लोकेश क्या कह रहा है, एरिशन टैंक में पीएसटी से आता है, बिल्कुल पीएसटी से भी एरिशन टैंक में आएगा, एसएसटी से भी एरिशन टैंक में आएगा, फिर वो आगे कहाँ जाएगा, दोबारा से एसएसटी में जाएगा। ठीक है, डन हुआ सभी का, बताओ स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की यूनिट पूछते हैं एमएल पर ग्राम, और स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की डेफिनेशन पूछते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्लज ऑक्यूपाइड इन एमएल बाय द 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए उसको रख देंगे तो कितना एमएल पर ग्राम आपका होगा, इसको बोलेंगे। हाँ चीजें अलग है बेटा, ये समझने की कोशिश करो इनको, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा रुक के चीजों को समझने की कोशिश करो। एरिएशन टैंक फ्लो चार्ट में नहीं बताया आपने, उसमें तो बताया था बेटा कि एसएसटी से गया एरेशन टैंक में। अच्छा एरेशन टैंक में अपन फ्लो चार्ट नहीं लगाया, उसको वहां लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा वहां चीजें लगाओगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे, वहां पे वही चीजें रखो जो जनरली पूछी जाती है अपने एसएससी के लिए, बाकी चीजें अपन बाद में यूज करेंगे। ठीक है, वहां जबरदस्ती वो पहले ही वो जंबल हो रहा था डायग्राम, और ज्यादा जंबल हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ लिया, वो डायग्राम देख लिया अपने एसएसटी जैसे एरिएशन टैंक लगाया पीएसटी के बीच में, तो उसमें जबरदस्ती एक और एरिएशन टैंक लगा दोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज जाओगे। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वन जो होता है नोट करने लिखेगा कि हमें जब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एसएसटी में बिफोर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, हाँ एमएल के ग्राम है, एरिएशन प्रोसेस के बाद में एसएसटी में जब स्लज जाएगी तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है एसएसटी में, कौन से स्लज बल्किंग होती है, ब्लैंकेट राइजिंग होती है, उसको रिमूव कैसे करते हैं, बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन से, ये क्वेश्चन आता है, लिखिएगा नोट के अंदर, ऑपरेशनल प्रॉब्लम इन एसएसटी, ऑपरेशनल ऑपरेशनल प्रॉब्लम इन एसएसटी यूज्ड आफ्टर एएसपी, एएसपी के बाद में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बाद में आप एसएसटी लोगे सेकंड सेशन टैंक लोगे उसमें ऑपरेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कौन कौन सी, ये क्वेश्चन पूछता है, स्लज बल्किंग, स्लज बल्किंग एंड ब्लैंकेट राइजिंग, इनका मतलब क्या है स्लज बल्किंग ब्लैंकेट राइजिंग का, कि वो धीरे धीरे उस स्लज क्या होती है थिक होती चली जाती है और एक ब्लैंकेट की तरह रिएक्ट करती है, एक मोटी सी लेयर बना देगी, उससे बोलते हैं स्लज बल्किंग या ब्लैंकेट का राइजिंग इज नोन एज। बीटेक में नहीं है पर ये अब यहाँ पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्लज बल्किंग और ब्लैंकेट राइजिंग ये दो प्रोपोर्शनल ट्रबल देखने को मिलती है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग किससे, क्लोरीन से इसको रिमूव करते हैं, तो कंट्रोल बाय क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन से कंट्रोल करेंगे मतलब बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल कंक्लूड कर देंगे, टेंशन मत लो, रिवाइज करेंगे ना पूरा अच्छे से तो वो चीजें आप और क्लियर होंगी। ये हो गया आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, यहाँ पे खत्म, फिल्टर्स हो गया, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया। अब आते हैं अपन ऑक्सीडेशन पॉन्ड के ऊपर,
चलें आगे। अरे हो जाएंगे, जो पहले चल रहा है इसको पढ़ो। ब्लैंकेट राइजिंग है, स्लाइडिंग नहीं बेटा, राइजिंग है। ब्लैंकेट राइजिंग है, ठीक है। थिकनेस, इम्प्योरिटीज का थिक हो जाना, उसको बोलते हैं ब्लैंकेट राइजिंग, ठीक है। ब्लैंकेट राइज, जब आपकी इम्प्योरिटीज के ऊपर आप ऑर्गेनिक मटेरियल को डंप करोगे, डिस्चार्ज करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, इसको बोले ब्लैंकेट राइजिंग या आपकी स्लज बल्किंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इस पे क्वेश्चन आता है आपको ऑक्सीडेशन पॉन्ड, और इसी का नाम एक और है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। ऑक्सीजन पॉन्ड के अंदर अगर बात करें तो इट इज अ एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। कैसा है? एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ये भी आपका एरोबिक अभी ये सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम कैसे है सर? ये भी एक टैंक होगा जिसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होगा, केवल वाटर क्या करेगा, हाँ, हाईली एरेटेड। तो यहाँ पे एक टैंक बनाइएगा, इस टैंक के अंदर की कहानी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर, इस टैंक के अंदर तीन जोन होंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव। एरोबिक होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक होगा तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, फैकल्टेटिव होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंस एब्सेंस दोनों में होगा। एरोबिक होगा तो हाईली स्टेबल बनेंगे कंपाउंड, एनारोबिक होगा तो हाईली अनस्टेबल बनेंगे, एसिड गैसेस और अल्कोहल बनेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ अपने को देखने को मिलेगी। तो लिखिएगा, ये देखिएगा ये डायग्राम, के वाटर का लेयर है यहाँ पे, और इस वाटर की लेयर के ऊपर ये टॉप जोन में क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, ये एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, एल्गी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे न्यूट्रिएंट्स, एन पी के न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, इसके एल्गी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। ऑक्सीजन कौन लेंगे, माइक्रोजम्स लेंगे, माइक्रोजम्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और वापस क्या बना देंगे, वो स्टेबल मास बना देंगे, वो वापस न्यूट्रिएंट बना देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि उस वाटर के अंदर, उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, ये एल्गी है, एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एल्गी ग्रोथ होगी तो सनलाइट से, ऊपर से टैंक क्या है, एटमॉस्फेयर से ओपन है, सनलाइट से क्या करेगी, सनलाइट से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ऑक्सीजन कौन लेगा, माइक्रोजम्स लेंगे, माइक्रोजम्स लेंगे किसके लिए, ऑर्गेनिक मटर को डिकम्पोज करने के लिए। और ऑर्गेनिक मटर को जब डिकम्पोज करते हैं सर, तो डिकम्पोज करने पर एरोबिक हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को ले रहा है, तो ये जोन कैसा हो गया सर, ये एरोबिक जोन हो गया। ये कौन सा हो गया, एरोबिक जोन हो गया। तो इस एरोबिक जोन के अंदर डिकम्पोज करने हाईली स्टेबल बनता है। स्टेबल मतलब आपका मैन्योर बनता है, जिसको बोलते हैं खाद। तो उसके अंदर फिर अब अगेन क्या न्यूट्रिएंट, तो अगेन ये क्या है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक जो कंटेंट है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट, ये सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड में कैसी होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, दूसरा फिर पहले के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो हर तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इट इज बेस्ड ऑन, तो पहला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज बेस्ड ऑन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब समझ में आया कि हर एक जो चीज है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये वर्ड आता है इसके अंदर कि ऑक्सीजन पॉन्ड किसके ऊपर बेस्ड है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर। उसका मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे दिख गया, क्लियर हुआ। फिर क्या होगा कि मैंने एक और जोन बना दिया, और जो पार्टिकल्स नीचे तक आ चुके हैं, जो पार्टिकल्स आपके नीचे हैं, ये नीचे जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है, ये नीचे ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, अब सनलाइट जो है, ऑर्गेनिक मैटर तो पूरे में है, पर जो नीचे वाले जोन में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर सनलाइट प्रॉपर पहुंचने की टर्बिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है सर, वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मतलब टर्बिडिटी ज्यादा, टर्बिडिटी ज्यादा सनलाइट नीचे तक पहुंचने पर नीचे क्या होगा सर, फिर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो क्या होगा, एनारोबिक डिकम्पोजन होगा। तो इसको बोलते हैं नीचे वाले को
एनएरोबिक जोन कहते हैं। इस एनएरोबिक जोन के अंदर कौन करेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया करेंगे। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं फिर सर, ये एसिड गैसेस और अल्कोहल में करेंगे। तो यहाँ किस में कन्वर्ट करते हैं, ये एसिड गैसेस और अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये गैसेस जो हैं वो कहाँ जाएंगी, सरफेस की तरफ जाएंगी, और एसिड क्या होगा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, एसिड एंड अल्कोहल। तो ये होगा एनएरोबिक जोन हो गया, ठीक है। तो एनएरोबिक जोन कहाँ तक होगा सर, इसी के बाद चालू हो जाएगा पूरा, यहाँ तक नहीं, ये पूरा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां तक सनलाइट पहुंची वहां तक तो एरोबिक है, और जहां तक नहीं पहुंच रही है पूरा एनएरोबिक है, पूरा एनएरोबिक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनएरोबिक हो जाएगा। पर कुछ माइक्रोजम्स ऐसे होंगे, कुछ माइक्रोजम सर ऐसे होंगे कि जो इन दोनों में वर्क करेंगे, तो इसे बोलेंगे अपन फैकल्टेटिव। इस आप अंदर मत लिख दीजिएगा, तो आप बोलेंगे ये वाला फैकल्टेटिव है, इसे हम बोलेंगे फैकल्टेटिव जोन, फैकल्टेटिव जोन। एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें वर्क करेंगे, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रीजन समझ में आ गया, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रीजन समझ में आ गया। क्यों यहाँ पे एब्सेंस ऑक्सीजन, बिकॉज सनलाइट नहीं आ पा रही, क्योंकि इसके अंदर सभी के अंदर क्या है सर, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जो टर्बिडिटी कारण क्या हो रहा है, लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है। तो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर्ड कर रहा है, और नीचे तक आने नहीं दे रहा, और नीचे तक नहीं आएंगे। एनपीके क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स, दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स। अब बताओ समझ में आया ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो सस्पेंडेड क्यों बोला सर, यहां पे कोई भी मीडियम नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, तो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ में आई, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उनको बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एरोबिक और एनारोबिक दोनों में रहता है, तो एरोबिक क्यों बोला, कहाँ बोला एरोबिक, फैकल्टेटिव बोला ना, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फैकल्टेटिव जोन। अच्छा इसको एरोबिक क्यों बोला, क्योंकि मेजर जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि ऊपर टॉप से एटमोसफेयर से ओपन है ना, जो भी टॉप से एटमोसफेयर से ओपन है उसको एरोबिक कहेंगे। क्लियर हुआ आयुष, जो भी चीजें एटमोसफेयर से ओपन है उसे बोलेंगे एरोबिक। अब सेप्टिक टैंक पढ़ने वाले, उसके बाद सेप्टिक टैंक का सर क्लोज होता है, वो क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है, क्लोज होता है, तो वो एटमोसफेयर से कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा, एनारोबिक होगा फिर वो, ठीक है। जो एटमोसफेयर से ओपन है उन सिस्टम्स को अपन एरोबिक बोलेंगे। क्लियर हुआ, करें स्टार्ट। अब आइए डिजाइन डाटा पे आइए, डिजाइन डाटा में लिखिएगा द फर्स्ट वन इज द डेप्थ। डेप्थ जो होती है ये 1 to 1.5 मीटर होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है डेप्थ। सेकंड लिखिएगा डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम के कितने समय तक इसको रखना होता है, 2 से 6 वीक्स। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द L/B रेशियो, इसमें 3 लेके चलते हैं, जनरली 2 से 3 और प्रिफर 3 करते हैं, ठीक है। अभी तक 4 कर रहे थे, इसमें 3 करते हैं। एरिया ऑफ ईच यूनिट, एरिया ऑफ ईच यूनिट कितना, 0.5 से 1 हेक्टेयर, कितना होगा एरिया, 0.5 से 1 हेक्टेयर। बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी
इट इज नियरली इक्वल टू 99% होती है. नेक्स्ट इज द बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी. बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी के 95% ही होती है. कितनी? 95% ही होती है. और इट इज यूज्ड इन स्मॉल कम्युनिटी, जहाँ पे वेस्ट क्या हो सर, कम हो, तो 2 से 6 वीक्स तक उसको होल्ड करके रखना, ठीक है. डिज़ाइन डाटा बेटा वेरी करता रहता है, कहीं बुक्स 1.8 लिखा, 1.5 है कई जगह, ठीक है. बीओडी रिमूवल जब बीओडी को सेटिस्फाई करता है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको सेटिस्फाई कितना करता है, 95% है, बीओडी को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है. हो गया सर? बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, बैक्टीरिया 95% रिमूव हो जाते हैं. तो बैक्टीरिया का रिमूव होने का मतलब ये नहीं कि ड्रिंकिंग पर्पस, वो स्मॉल अमाउंट के लिए हो रहा है. वो स्मॉल अमाउंट के लिए उसको 3 से 6 वीक तक आप रखोगे तो स्लज बनेगा, और उसके बाद तो वो काफी स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. क्या बोल रहे हैं? अरे अप्रोक्सीमेट डाटा है भाई, इक्वल टू 99% डिजाइनिंग में मान के चलते हैं. जैसे अपन नहीं बोलते कि 80% वाटर सीवर में चल जाता है, तो 80% जाता है नहीं जाता किसको पता, ये अज्यूम करके चल रहे हैं. इसलिए 99% कह रहा है, ये अज्यूम कर रहा है. डिजाइन डाटा है ना, डिजाइन में आप चीजों को अज्यूम करके चलते हो. देखो एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि अगर 99 हो गया तो फिर तो उसको पानी में पीने में ले लोगे, ऐसा नहीं है. 99 नहीं भी करे पर डिजाइनिंग में अपन इसको मान के चलते हैं 99 एवरेज में. जैसे आपकी बाइक लेते हो आप, बीओडी रिमूवल का मतलब बीओडी सेटिस्फाई ऑक्सीजन की डिमांड को सेटिस्फाई करता है 95% तक. जितना ऑक्सीजन चाहिए 95% ऑक्सीजन की डिमांड को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ 5% वो नहीं करता है, ठीक है. दूसरा, जैसे आप बाइक लेते हो तो बाइक के समय वो क्या कहते हैं आपको कि एवरेज कितना आएगा आपको, 65 होगा. जब चलाने लगते हो तो एवरेज कितना है सर, 45 होता है. तो डिजाइनिंग पर्पस है ना बेटा. क्यों बाइक लेते हो तो अक्सर होता है ना ये, एवरेज देखते हो पर उतना एवरेज कभी देता ही नहीं है. वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, आइडियल कंडीशन की बात होती है. उतना एवरेज आप कभी निकाल ही नहीं सकते उस बाइक से. तो क्या है वो, ऐसा नहीं है क्या? वो तो टेस्टेड है, वो तो देता है बिल्कुल भाई, उनको तो टेस्टेड है ना, वो तो प्रूव्ड है तभी तो. नहीं तो बेवकूफ बना देते क्या लोगों को? नहीं, वो तो प्रूव्ड है, वो तो आपको बता सकते, रिजल्ट बता सकते कि इतना एवरेज दिया है. बट वो आइडियल कंडीशन, उनको पता है उस एवरेज को कैसे मेंटेन रखना है. पर एक्चुअल आप उतना मिल पाता है नहीं सर, उससे 10-15 किलोमीटर कम ही मिलता है एवरेज, तो फिर क्या दिक्कत है? तो वही कहानी है, ये एक डिजाइन डाटा है, ये अप्रोक्सीमेट डाटा होता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है. अब आ जाइए, डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज इसका यही है कि लार्ज एरिया आर रिक्वायर्ड. एक डिसएडवांटेज है कि लार्ज एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. फिर नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन डिच हैज मैक्सिमम बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी. ऑक्सीडेशन डिच हैज मैक्सिमम बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी. आता है क्वेश्चन, मैक्सिमम बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी किसकी होती है?
ऑक्सीजन रिच की होती है। ठीक है, दिखेगा कितना, बीओडी पर रिमूव करता है 98% तक, सस्पेंड सॉल्यूट 95% तक, एफिशिएंसी फ्रॉम फ्रॉम ऑल यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स आप पढ़ोगे सबसे अगर ज्यादा बोलता है बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी वो किसकी होगी, ऑक्सीडेशन डिच की होती है, ऑक्सीडेशन डिच की होती है। क्लियर हुआ? क्या हो गया, वीडियो पॉज हो रहा है? नहीं होगा भाई, देखो अब आता है कि सर कि ऑक्सीडेशन डिच क्या होता है। ऑक्सीडेशन डिच जो होता है ये एरिएशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो एक एक ही लाइन लिख दो, काफी ज्यादा इंपोर्ट लिख दीजिए, एन ऑक्सीडेशन डिच इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम, एन ऑक्सीडेशन डिच इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम। बेसिकली एन एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम। अब एरेशन सिस्टम है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन को ऐड करोगे उतना ज्यादा बीओडी सेटिस्फाई होगा, सीधी सी बात है। बीओडी का मतलब क्या, तो ऑक्सीजन को डिमांड को सेटिस्फाई करना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड करोगे एरेशन सिस्टम में का, तो ऑक्सीजन को ऐड करते तो एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम होता है एक, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इट इज अ एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम। क्लियर हुआ? एक्सटेंडेड एयर सिस्टम ऑफ अ मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑफ अ ये इसको बोलते हैं, हाँ सेटिस्फाई करता है तो ऑक्सीजन की डिमांड को कम करता है। ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा डिकम्पोज कर पा रहा है, तो अब वाटर के अंदर अपने को कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जब उसको डिकम्पोज करोगे तो। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिस की मैक्सिमम बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी होती है। सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, अच्छा आपने अपोजिट बोल दिया था, ऐसा पीओडी को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा सर, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी आपकी, जब आगे इसको जब फर्दर आप इसको क्या करोगे ट्रीट करोगे ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। लास्ट लाइन है, एन ऑक्सीजन डिच इज अ बेसिकली एन एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम ऑफ अ मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। चले आ जाइए अब नेक्स्ट पे आ जाइए। तो ये तो हो गए सारे हमारे एरोबिक, ये तो हो गए एरोबिक मेथड। अब कुछ सर एनएरोबिक भी होते हैं जो हम स्मॉल स्केल के ऊपर उसको यूज किया जाता है, इन्हें बोलते हैं एनएरोबिक मेथड, जैसे सेप्टिक टैंक। ये क्वेश्चन आता है सेप्टिक टैंक, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट लिखिएगा, सेप्टिक टैंक जो इंडिविजुअल हाउसेस के अंदर अपन बनाते हैं और ओल्ड विलेजेस के अंदर इसको प्रिफर करते थे आप, आजकल तो आपकी लाइन कनेक्टेड हो गई। सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक कैसा होता है सर, एटमॉस्फेयर से कट है तो एनारोबिक होगा, इसमें कोई लेयर होती है, क्या हो गया, यही 30% क्या कह रहे हो लोकेश? तो सेप्टिक टैंक जो होता है, ये सेप्टिक टैंक कैसा होगा सर, एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट करेगा तो एनारोबिक होगा, इसमें कोई लेयर नहीं होती केवल एक टैंक होता है तो ये सस्पेंडेड होगा, तो एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। तो पहली बात तो क्या समझ में आई, इट इज अ एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है, एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, समझ में आया सभी को?
एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम क्यों बोला, कि एटमॉस्फेयर से कटआउट होता है और कोई फिल्टर बेड इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, केवल एक टैंक होता है सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर, इंपर्टीज किसमें रहेगी, ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर ही रहेंगे, तो एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अब इसका डायग्राम देखिएगा, ऊपर से इसको क्या कर दें, क्लोज कर देते हैं, हमेशा सारा क्या था सर, ऊपर से ओपन थे, ये ऊपर से क्या होगा, क्लोज होगा, तो क्लोज होते थे, एक बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन कट ऑफ चली गई तो एनारोबिक हो गया, ठीक है। यहां से आपका एफ्लुएंट आया, पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इससे अपन एफ्लुएंट को ट्रीट जो करेंगे, किससे, सेप्टिक टैंक से, इसको डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते वाटर बॉडी के अंदर, क्योंकि ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता है, ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता, ये कुछ हद तक ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है बट कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। अब सर ऑक्सीजन का कट ऑफ कर दिया तो क्या होगा बताओ भाई, ऑक्सीजन का कट ऑफ कर दिया तब क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी? अरे सर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो क्या होगा, एनारोबिक होगा, एनारोबिक होगी तो क्या होगा, एसिड गैसेस और अल्कोहल निकलेंगे, तो ये स्कम की लेयर बना देंगे, स्कम की लेयर बना देंगे, और कैसा होगा, एनारोबिक होगा, एसिड गैसेस और अल्कोहल आपके जनरेट होंगे, और नीचे क्या होगी, आपकी स्लज इकट्ठी हो जाती है, दिस इज योर क्लियर हुआ, ये इनलेट, ये एफ इनलेट है, वो आउटलेट है, इसको बोलेंगे रॉ सीवेज और एफ्लुएंट। यहां से आपका रॉ सीवेज आया, इंडिविजुअल हाउस का बना होता है, और यहां से एफ्लुएंट गया, और ये एटमॉस्फेयर से कट आउट है तो एनारोबिक होगा, एनारोबिक होगा तो एनारोबिक बैक्टीरिया निकलेंगे, एसिड गैसेस अल्कोहल होगी तो सरफेस पे क्या बन जाएगी, स्कम की लेयर बन जाती है, ठीक है, बिल्कुल बनेगा, एसिड गैसेस अल्कोहल तीनों बनेगी, गैसेस कैसे निकलेंगे, गैसेस निकलने के लिए ऊपर एक वेंट देते हैं ये गैसेस के लिए, ये गैसेस के लिए वेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उससे ऊपर ये फ्री बोर्ड रखते हैं, इट इज 0.3 मीटर का, 0.3 मीटर का एक फ्री बोर्ड देते हैं, एडिशनल हाइट देते हैं अपन, ठीक है। स्कम मटेरियल है क्या बेटा, स्कम मटेरियल नहीं है, ऑयल ग्रीसेस और आपके एसिड गैसेस जो निकलेंगे तो ऊपर एक लेयर बन जाएगी, इसको बोलेंगे स्कम की लेयर, जैसे आप साबुन में निकलते स्कम फोम बनता है स्कम, वैसे ही लेयर हो जाएगी स्कम की लेयर टॉप पे। तो ये डायग्राम है सेप्टिक टैंक का, समझ में आया कि एनएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम क्यों बोला, बताओ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें डिटेंशन टाइम और क्लीनिंग पीरियड इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे, यहां पे लिखोगे डिजाइन डाटा, डिजाइन डाटा, डिजाइन डाटा, जब इसको डिजाइन करते हैं सेप्टिक टैंक को, तो पहला लिखिएगा द फर्स्ट वन इज द डिटेंशन टाइम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डिटेंशन टाइम कितना होता है, 12 से 36 घंटे, यह SSC का क्वेश्चन है आपका। फिर होता है आपका क्लीनिंग पीरियड, सिक्स टू 12 मंथ, ये भी पूछा है। अब ये देखो डिजाइन डाटा है, 6 से 12 महीने के अंदर क्या होगा, ये फिल हो जाएगा, ऐसा होता है क्या सर, नहीं ऐसा तो नहीं होता, बना दिया 10 10 साल 20 20 साल तक वो क्या उसको अपन डंप नहीं करवाते, तो ये क्या है, डिजाइन डाटा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बैफल्ड वॉल होती है, 3 सेक्शन में होता है वो, बैफल्ड वॉल होती है बिल्कुल, 3 सेक्शन में डिजाइन किया जाता है, ये लो। चलिए तो देखिए क्लीनिंग पीरियड सर 6 to 12 मंथ के अंदर वो फिल हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होता इन प्रैक्टिकल, तो ये थ्योरेटिकल जब डिजाइन करते हैं तब उसको 6 से 12 मंथ मानते हैं, जब क्वेश्चन आएगा, हाँ बिल्कुल, उस तरह से एफ्लुएंट को दोनों को रिमूव अलग अलग होता है,
तो 12 to 36 और 6 to 12 month, तो जितना आपने क्वेश्चन आता है केवल उतना ही पढ़ना है। चीजें बहुत सारी है, अंदर चलते जाओ तो चीजें और आती जाएंगी, पर उससे कोई कंसेप्ट नहीं। केवल ये दो क्वेश्चन आप रिपीटेडली पूछे जाते हैं, डिटेंशन टाइम और क्लीनिंग पीरियड। ये लिख दो अब एक्स्ट्रा डाटा, स्लज एक्यूमुलेशन रेट, एक्यूमुलेशन सच एक्यूमुलेशन रेट 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, लीटर पर कैपिटा पर ईयर, ये स्लज एक्यूमुलेशन रेट होती है। फोर्थ लिखिएगा आप नेक्स्ट, इधर लेंथ बाय विड्थ रेशो 2 to 3, एल बाय विड्थ इज 2 से 3 के बीच में कोई डाटा ले सकते हो लेंथ बाय विड्थ का। और डेप्थ जो होती है इस टैंक की 1.2 से 1.8 मीटर होती है। नेक्स्ट जो होगी विड्थ, विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 0.9, ये डिजाइन पर्पस के लिए। और एक्चुअल में आता है क्वेश्चन 75 सेंटीमीटर मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, ये एसएससी का क्वेश्चन है, मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, तो 75 सेंटीमीटर लगाइएगा। डिजाइन पर्पस के लिए 0.9 से कम नहीं होना चाहिए, 0.9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्री बोर्ड 0.3, वो तो लिख ही दिया था वहां पे 0.3, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फ्री बोर्ड था आपका। चलिए हाँ, अब दोबारा बता दें सर। तो ये देखो, आ जाओ सेप्टिक टैंक पे। सेप्टिक टैंक क्या है, एन एरोबिक, क्योंकि सरफेस से ग्राउंड लेवल से नीचे होता है तो एटमोसफेयर से कॉन्टेक्ट इसका कट हो गया तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो एनोरोबिक हो गया। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम मतलब कोई भी इसके अंदर कोई लेयर नहीं है, कोई फिल्टर बेड नहीं, इसे वो पास करे तो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहेगा, इम्प्योरिटीज सस्पेंडेड हो गया तो एनोरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अब ये जो है आपका ऊपर स्कम की लेयर बनती है, स्कम की लेयर क्या करती है, ऑयल ग्रेस, ऑयल जो होता है आपका इसके अंदर और ग्रीस जो भी हो गए सेप्टिक टैंक जो भी आया आपका, ये आपका सोप सोल्यूशन आया उससे क्या होगा, ये स्कम की लेयर बन जाएगी। स्कम की लेयर क्या करती है, टॉप के ऊपर रहती है और ये एक तरह से टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। यहाँ से रॉ सीवेज आई और ये एफ्लुएंट, इस एफ्लुएंट को डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्प्लीट डिकम्पोज नहीं होता है। जो गैसेस बनेंगी वो गैसेस ऊपर से वॉल से निकल जाएंगी। 0.3 mm का फ्री बोर्ड रहेगा, नीचे आपकी स्लज क्या होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक, फिर आते हैं इसका डिजाइन डाटा पे। एसएससी क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन है, दो और एक ये तीन। डिटेंशन टाइम कितना, 12 to 36 आवर्स होता है। क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 मंथ होता है। ये देखो क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 मंथ, इतने जल्दी फ्रीक्वेंटली बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो ये क्या है, ये डिजाइन डाटा है, डिजाइन में मान के चलते हैं इसको ऐसा। ठीक है, स्लज एक्यूमुलेशन रेट का मतलब है कितनी स्लज एक्यूमुलेट होगी, रुकेगी उसके अंदर, पर कैपिटा, लीटर पर कैपिटा पर ईयर, एक जना एक साल के अंदर कितने स्लज प्रोड्यूस करेगा, 30। तो स्लज एक्यूमुलेशन रेट कितना, 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, एक जने का एक साल की स्लज की रेट बता रहा है ये। एल बाय बी का रेशियो 2 से 3 होता है और डेप्थ 1.2 से 1.8 मीटर लिखिएगा, 1.2 से 1.8 मीटर होगी आपकी डेप्थ। और विड्थ जो है इट शुड बी लेस देन, विड्थ शुड बी लेस देन 0.9, ये डिजाइन पर्पस के लिए, पर जब ऑब्जेक्टिव आता है 75 सेंटीमीटर लेनी है, 75 सेंटीमीटर ऑप्शन को टिक करना है, ये जनरली पूछा जाता है 75 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ठीक है, पर डिजाइन के लिए इतना लेनी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम विड्थ होती है, इसको लिख दीजिए, इसको बोल दीजिए मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ पूरा सेप्टिक टैंक की तो 75 सेंटीमीटर होती है। डन हुआ सर, तीन ही डाटा होता है एल बी डी, ये विड्थ क्या है, एल बी डी, तो एल बी बी में क्या है बेटा, बी क्या, किसको बोलते हो, एल तो हो गया लेंथ, डी हो गया डेप्थ, तो बी क्या बोलोगे आप इसको, सचिन बताओ।
सचिन हाँ स्लज निकलेगा इसमें से। डन हुआ। ब्लास्टिंग कंडीशन क्या होती है इसमें? ब्लास्टिंग कंडीशन बेटा ज्यादा तो होगी जहाँ पे स्लज आपका गैसेस बन गया, और गैसेस क्या हो गई, या तो बस्ट हो गया ऐसा कुछ होगा ब्लास्टिंग कंडीशन, या फिर आपका क्वेश्चन बताओ एक बार, जब आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्लज का तब होगा। बिल्कुल बेटा इसमें सूलज जाएगा, सूलज जाएगा वो सोक पिट में, अभी लिखवाने वाले हैं आगे। इतना नोट कर लिया सभी ने, 75 सेंटीमीटर मिनिमम विड्थ होती है, डिजाइनिंग के लिए 0.9 मीटर से कम नहीं लेनी चाहिए विड्थ। ठीक चलिए आ जाओ फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक कैसे निकालोगे बताओ, किसी को पता है वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक? ये क्वेश्चन पूछते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक का फॉर्मूला बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक इट इज दी सीवेज फ्लो इनटू रिटेंशन टाइम, सीवेज फ्लो इनटू रिटेंशन टाइम, सीवेज फ्लो इनटू रिटेंशन टाइम प्लस स्लज एक्यूमुलेशन इनटू क्लीनिंग रेट, प्लस स्लज एक्यूमुलेशन इनटू क्लीनिंग रेट। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक लिख दो पूरा सा, सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक नोट में लिखिएगा, इसका जो एफ्लुएंट होगा जो स्लज होगी इसको डिस्पोज करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, एफ्लुएंट ऑफ सेप्टिक टैंक इज डिस्पोज्ड एफ्लुएंट ऑफ सेप्टिक टैंक इज डिस्पोज्ड आइदर इन सोक पिट और डिस्पर्जन ट्रेंच। किसमें इसको डंप करते हैं, सोक पिट या डिस्पर्जन ट्रेंच के अंदर? और उस एक और इम्पोर्टेंट के जिसका एफ्लुएंट जो निकल रहा है, जो स्लज जो निकलेगी यहां से इस सेप्टिक टैंक की, उसको डिस्पोज करेंगे किसमें, सोक पिट या डिस्पर्जन ट्रेंच में, एक खड्डा खोद के और वहां पे अपन उसको क्या करेंगे, डंप कर देंगे लोअर लाइंग एरियाज के। और एक और कि सेप्टिक टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, बोथ प्रोसेस विल टेक प्लेस इन सेप्टिक टैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन ऑफ स्लज, सेडिमेंटेशन टेशन एंड डाइजेशन ऑफ स्लज बोथ टेक्स प्लेस इन सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक में केवल सेडिमेंटेशन नहीं होता है, सेडिमेंटेशन के साथ साथ वो पार्टिकल्स तो सेटल होंगे ही, उन पार्टिकल डाइजेशन भी होगा, वो भी कैसा होगा, एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों होता है किसके अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर। ये कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक के तो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। डाइजेशन होता है डिकम्पोजिशन, डाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाना। एमओ इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
कहाँ लिखा है एमओ यहाँ पे, यहाँ तो लिखा ही नहीं। डाइजेशन कौन सा माइक्रोसोम्स करेंगे? एनारोबिक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, सरफेस के नीचे होगा तो ऑक्सीजन रहेगी नहीं, ऑक्सीजन कट ऑफ रहेगी तो कौन करेगा? एनारोबिक करेंगे, तो एनारोबिक माइक्रोसोम्स क्या करेंगे, करेंगे उनका डाइजेशन। ठीक है, डन। लास्ट लाइन रिपीट, सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन ऑफ स्लज बोथ टेक प्लेस इन सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में क्या क्या देखने को मिलता है? सर जो पार्टिकल होंगे, ये सेडिमेंटेशन होगा, ये पार्टिकल नीचे आके सेटल होंगे, और इन पार्टिकल का डाइजेशन भी होगा, डिकम्पोज भी होंगे, ये स्लज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉन्क्रीट का होता है, बिल्कुल कॉन्क्रीट का होता है, बॉटम कॉन्क्रीट का होता है। अरे इसके डायग्राम बहुत अलग होते हैं, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया है ताकि चीज़ों को समझ जाओ। अगर आपको देखना है एक अलग ही तरह का डायग्राम तो आप देखो, जबकि उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा उस डायग्राम का, पर आप देखना चाहते हो तो देखिएगा। उसमें से वी शेप होता है, नीचे आपका स्लज के लिए पाइप होता है, ये कॉन्क्रीट का बेड होता है, दो पोर्शन बना होता है, बीच में बैफल वॉल होती है। ठीक है, पर उसमें कितना, रुकिए एक मिनट, कनेक्टेड। ये देखो विजिबल है, विजिबल है कि यहां से आपका देखो इंस्पेक्शन पाइप, इंस्पेक्शन पाइप हुआ, ये मेन होल कवर हुआ, और यहां से सीवेज एंटर किया हाउस का, और ये वेस्ट वाटर हुआ, ये स्कम क्लियर हुई, स्लज हुआ, डेप्थ ऑफ द स्लज वेरी विद यूजर्स, और ये एफ्लुएंट आपका चला गया। ठीक है, क्लियर हुआ? मेन होल कवर, मेन होल कवर होता है आपका जो ढक्कन अपन लगाते हैं ऊपर, ताकि जब आपको इसको स्लज को रिमूव करना ढंग है, वहां से चैम्बर जहां से अपन इसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? और देख लो इसका डायग्राम, ये भी प्रॉपर डायग्राम नहीं है, प्रॉपर डायग्राम बिल्कुल अलग होता है इसका। सेप्टिक टैंक डिजाइन में देखते हैं, घेरा क्या दिखेगा आपको, देखा क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन दिखा आपको, यहां से आपका आया आउटलेट पाइप, यहां से आया इनलेट पाइप, यहां स्लज आई, स्लज बैफल वॉल से पास होते हुए यहाँ पे क्लेरिफायर जोन, यहां से आपकी स्लज निकल गई। ठीक है, मैन होल कवर होते हैं, सेक्शन से बना होता है, ये होती है आपकी बैफल वॉल, ये कॉन्क्रीट का बॉटम होता है, जो आप कॉन्क्रीट बोल रहे हो, ये रहा कॉन्क्रीट का सेक्शन। क्लियर हुआ? क्या और दिखाएं? ये देखो, दिख रहा है ये?
अपने आप कैसे निकल जाएगी स्लज बेटा? ये सीमेंट कंक्रीट का होता है, देखो ये बॉटम बेस नेट सही सही चल नहीं रहा, ये क्लियर नहीं है। हाँ ये देखो सीमेंट कंक्रीट का 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट का बेस होता है। यहाँ पे मोटर की फिनिश लगाते हैं, ये 300 देखो दे रखा है 300, ये आपका एमएम के अंदर 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड हो गया आपका। यहाँ से आपका स्लज आया, यहाँ से आपका स्लज वाटर चला गया, स्लज को रिमूव कर लेंगे जब ये थिकनेस बढ़ती जाएगी। वेंटिलेटिंग पाइप है जो फाउल गैसेस के लिए होता है, ठीक है। और ये इसका सेक्शनल प्लान हो गया, सेक्शनल प्लान हो गया, क्लियर हुआ। अब डन, डन हो गया। चलिए ले लीजिए इसका सेक्शन व्यू और सारा व्यू ले लीजिए। स्लज अपन उससे निकालेंगे ना बाद में से, जब ये स्लज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो स्लज को निकाल कर डंप करेंगे। यहाँ से वाटर वाटर अपना निकलता चला जाएगा ऊपर से, एक्सेस वाटर स्लज एक्युमुलेट हो जाएगी। जब स्लज भर जाएगी तब उसको ऊपर मेन होल का कवर हटा के, मेन होल कवर है आपका ये जो है, दिस इज योर मेन होल कवर, इस कवर को रिमूव करके यहाँ से हम क्या करेंगे पाइप डाल के स्लज को निकाल लेंगे। यहाँ जो स्लज आपकी एक्यूमुलेट हो जाएगी उसको, भाई वाटर तो आपका एक्सेस वाटर तो यहाँ से निकलता चला जाएगा, यहाँ से इनलेट हुआ, यहाँ से एग्जिट कर गया आपका, जो भी सेटल होना था सेटल हो गया, बैफल वॉल्स थी यहाँ पे जितना भी सेटल होना था सेटल हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया सेटल हो गया, और वाटर क्या निकल जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें केवल स्लज को निकालना होता है, रोज रोज वाटर तो भाई रोज आएगा उसके अंदर से, कितना वाटर निकालोगे? तो वाटर तो रोज आप यूज करोगे तो वाटर तो रोज उसके अंदर आएगा, तो रोज थोड़ी निकालेंगे, केवल स्लज निकालेंगे। वाटर तो अपने आप ऊपर से वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स नीचे बैठ जाएंगे, वाटर आपका ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए डन, आ जाओ फिर स्क्रीनशॉट पे आ जाओ। फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड, अरे बेटा सेप्टिक टैंक नहीं देखा क्या? हाँ पिट बना के डंप करोगे तो निकालना पड़ेगा, पर जनरली पिट नहीं बनती है, सेप्टिक टैंक बनता है, ठीक है। तो उसमें केवल स्लज रहती है, ऐसे तो वाटर तो रोज आएगा, तो इतना वाटर तो थोड़ी होगा, तो हर 10 20 दिन में, 50 दिन में या 2 महीने में भर जाएगा, ऐसे थोड़ी। केवल वो स्लज को अपन रिमूव करवाते हैं, जब स्लज सेटल डाउन होगी उसको, वाटर तो अपने आप आपका टॉप सरफेस से निकल जाता है। सुशांत वाटर भरना होता थोड़ी है यार, कैसे बताएं आपको अब। नेक्स्ट, 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 क्वेश्चन लगाइए क्वेश्चन इसके, तब क्लियरिटी ज्यादा आएंगी। क्वेश्चन लगाइएगा, इतना डीप में अपन ने पढ़ा, इतना डीप में क्वेश्चन आएंगे नहीं, बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। मैक्स टू मैक्स एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा आज इसके, है ना, तब समझ में आएंगे। जितने टॉपिक पढ़े उतने ही क्वेश्चन लगाइएगा, जो टॉपिक अपन ने आज पढ़ चुके वहां तक के क्वेश्चन लगाओ, फिर समझ में आ जाएगा। इमोफ टैंक भी होता है वो इसके बाद पढ़ेंगे, वो भी सेप्टिक टैंक का मॉडिफाइड फॉर्म ही है, एक इमोफ टैंक पे भी क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट कल करेंगे बेटा कंक्लूड पूरा। नेक्स्ट नहीं ऑफ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज द लास्ट। चलिए तो मिलते हैं अपन कल। सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। ठीक है नेक्स्ट 1 जनवरी को अपन करेंगे सारा रिवाइज। इस चैप्टर में जितना पढ़ा है सबको कंक्लूड कर देंगे एक साथ। ठीक है गुड बाय।